हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ कोचिंग विद नमिता शो में। टुडे इज वेंसडे 2nd मार्च और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू एंड लाइक यू। 10 टिप्स हम डिस्कस करेंगे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, और हम थोड़ी ये भी चर्चा करेंगे कि इस स्पिरिचुअल चैनल पे जिसमें हम ये सीखते हैं कि अमानी न मान दे न कीर्तनीय सदा हरी, कि वी शुड ऑलवेज ऑफर रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड एक्सपेक्ट नन इन रिटर्न, आज इस चैनल पे हम ये उल्टी सी बात क्यों कर रहे हैं कि लोगों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये कौन सी बात हुई? इज इट दिस अगेंस्ट आर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? और अगर ये रिस्पेक्ट जरूरी है तो ये दोनों प्रिंसिपल्स को कैसे रिकनसाइल किया जाए, तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं आप सबका बने रहने के लिए। थोड़े हम लेट हो गए आज बिकॉज ऑफ मी, सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैड, बट बने रहने के लिए, वेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और अब हम विदाउट फर्दर डिले आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपके समय की वी विल स्टार्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कार्तिक, शशि, स्वाति, गीता, नीलोफर, नीरज, रितु, रूपा, मीनाक्षी, स्मिता, इता, निशांत कुमार जी, अनीता, आशा क्रिएटिव पेन, एंड सो मेनी मोर पीपल, हेमा, गीता लॉ ज्ञान, शिवानी अग्रवाल, शिवानी परिहार, एंड सो मेनी मोर पीपल। आपके काफी अच्छा क्वेश्चंस भी चालू हो गए हैं यहाँ पे बिफोर आई इवन स्टार्टेड, दैट्स अ गुड साइन, बट प्लीज कीप योर क्वेश्चंस कनेक्टेड टू द शो, टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछिए, तो सब दर्शकों को भी उससे फायदा उठता है, फायदा मिलता है। नहीं तो आप टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, वी ट्राई टू आंसर बट लेट्स कीप इट कनेक्टेड टू द टॉपिक, तो वो पहले सुन लेते हैं बाद में क्वेश्चंस पूछते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट कि ये रिस्पेक्ट, ये इतनी जरूरी चीज क्यों है, क्यों हम ये, क्या मैं ऐसे वाले रिस्पेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ कि आप कोई शादी में गए या कोई आप प्रोग्राम में गए और वहां आपको लोगों को खड़े होके तुरंत आ जाना चाहिए, आपको ना कुर्सी उर्सी दे देना चाहिए, सबका ध्यान पूरी तरह आपके तरफ ही रहना चाहिए और आपका ही नाम रोशन होना चाहिए और ये होना चाहिए और आपके ही इर्द गिर्द सबको घूमना चाहिए, ये थोड़ा वैसा वाला शो नहीं है। वैसे वाले बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो आप वो देख सकते हैं, बट यहाँ पर हम ट्रूली व्हाट इज द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, एंड हाउ टू, व्हाई रिस्पेक्ट इज नेसेसरी इवन फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड हाउ टू गेन दैट रिस्पेक्ट, वो हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये इर्द गुर्द घूमने वाला अगर आपको लग रहा है कि ये आपको मिलने वाला है इस शो में, तो वो नहीं मिलने वाला आज, सो यू कैन यूज योर टाइम एंड वॉच अनदर वीडियो। बट अगर आपको कुछ और यू नो समथिंग डिफरेंट सुनना है, जो यू नो कुछ नई बात सुननी है, कुछ एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए आपको लाइफ के प्रति, सो दैट रिस्पेक्ट भी रहे, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट ना मिले तो आप ऊपर नीचे अपना संतुलन ना खो बैठो, अपना जीवन आप रिस्पेक्ट के लिए ना जियो, बट यू स्टिल गेट द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू स्टिल फॉलो योर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। तो आज इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी टेक टीम से कि वो स्क्रीन शेयरिंग करें, तो स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसके साथ ही देन आई विल स्टार्ट द टॉपिक। तो आज ये चर्चा होने वाली है कि फर्स्ट 10 मिनट्स दिस इज अ करेंसी, रिस्पेक्ट इज अ करेंसी। जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं ना उस चीज़ के, तभी वो चीज़ मिलती है, या उसके एक्सचेंज में कुछ करना पड़ता है, एक्सचेंज ऑफर निकलते हैं, कई बार ये तवों के एक्सचेंज ऑफर होते हैं, फ्रिज के एक्सचेंज ऑफर होते हैं, एसी के एक्सचेंज ऑफर होते हैं, जो एक्सचेंज एक करेंसी होती है, तो रिलेशनशिप्स की भी एक करेंसी होती है, एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेंसीज इज रिस्पेक्ट। तो जहाँ रिस्पेक्ट रहता है, आपसी रिस्पेक्ट रहता है, तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग रहते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे अमानी ना माने देना वर्सेस गेटिंग पीपल टू रिस्पेक्ट अस, कि ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के इतना विरुद्ध बातें क्यों की जा रही है आज। नमिता पुरोहित क्यों, यू नो दिस इज नॉट व्हाट प्रभुपाद सेड, सो व्हाई इज शी टॉकिंग अबाउट दिस, उल्टी उल्टी बातें करती रहती है, बिल्कुल कृष्ण कॉन्शियसनेस से बाहर ले जाती है लोगों को, पूरा डाइल्यूट कर रही है सब कुछ। नहीं तो उसका अर्थ क्या है, ये हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, वी गोना टॉक अबाउट दैट। और फिर दूसरा जो भाग रहेगा इस प्रोग्राम का, वो रहेगा कि 10 टिप्स क्या हम कर सकते हैं ताकि पीपल रिस्पेक्ट अस, एंड देन लास्टली ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, और मेरी चेष्टा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ ताकि आपके जीवन में थोड़ा रिलीफ मिले आपको, तो ये मेरी कोशिश रहती है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमारा जो कल्चर है, जो गौड़िया वैष्णव फिलोसफी है, जो गौड़िया वैष्णविज्म में इतने आचार्य हुए हैं हम, मतलब 500 साल पहले, इतने हजारों साल पहले,
उनमें से एक आचार्य होते थे हरिदास ठाकुर, और हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेने में इतना लीन होते थे, ही वाज कम्प्लीटली कम्प्लीटली हाईली एलिवेटेड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, और वो भगवान का नाम लेते थे और उसके कारण उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी कम्युनिटी में और बहुत प्रचार भी हो रहा था होली नेम का, लेकिन जो वहाँ के जो निज़ाम थे उनको वो पसंद नहीं था, तो उन्होंने उनको सोचा कि इनको कैसे डिस्करेज किया जाए, तो हरिदास ठाकुर वॉज बीटन, जैसे आप देख सकते हैं, इन 22 मार्केट प्लेसेस उन्हें पीटा गया बहुत बहुत बुरी तरह से, मतलब कि प्राण ही निकल गया, ऐसी स्थिति में उनको कितनी बार किया गया ताकि वो हरिनाम ना कर सकें, और उनकी कितनी डिसरिस्पेक्ट हुई अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो। तो हरिदास ठाकुर ने तो नहीं सोचा ना कि मेरी मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी फजीती हो रही है, मुझे सब जगह पे यू नो ये हर हर गली में हर हर नाके पे हर मार्केट में मुझे पीटा जा रहा है और ये क्या हो रहा है, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं, उनको वो सब चीज़ों की कोई पड़ी नहीं थी, ही वॉज जस्ट वेरी हैप्पी कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये हमारे गुरु हैं, गुरु परंपरा में ये सब लोग हैं जिनको रिस्पेक्ट बिल्कुल जरूरी नहीं लगता, जिनको चाहिए ही नहीं, एंड दे डोंट केयर, उनका लाइफ में उसके बारे में वो बिल्कुल एनर्जी ही नहीं लगाते हैं। तो हमें आज ये शो क्यों सुनना चाहिए, और ये शो सुन के हमारा क्या फायदा होगा हमारी भक्ति में, और हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका डिस्कशन थोड़ा हम कर लेते हैं कि ये, ताकि लोगों को ये डाउट ना रहे शो सुनने के पहले। तो देखिए, हम सब ये आत्मा है, ये एक स्लाइड है, मेरे बहुत सालों पहले बनाई है, बट व्हेनेवर यू नो इसको सब जगह पे यूज होती है ये अच्छे से, आई थिंक आई मेड दिस इन 2012, 10 साल हो गए हैं। तो ये जैसे वी आर द स्पिरिट सोल, हम लोग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, ये जो रिस्पेक्ट है ये सब हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सोसाइटी में आइडेंटिटी है, जो ईगो है, जो पोजीशन है, जो पैसे हैं, फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, या जो हमारे ये जॉब है, हमारा क्या नौकरी है, ये क्या बिजनेस है, कितना हम कमाते हैं, हमारा घर कैसा है, हमारी अपीयरेंस कैसी है, हमारे जो रोल्स है, या माँ बेटी बहू पत्नी बहन आंटी बुआ यू नो चाची वगैरह, या फिर जैसे ये जो जो पुरुष हैं उनके जैसे फादर है, पिता है, भाई हैं, लेडीज भी बॉस एंड मास्टर हो सकती है, या फिर जैसे हस्बैंड हैं, भाई हैं, ब्रदर इन लॉ है, जीजा है, ये सब हमारे रोल्स हैं, और ये जो हमारा सोशल स्टेटस है। तो पहले हमारा शरीर है, उसके ऊपर हमारी ये कवरिंग है माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो की, जो हमारा सूक्ष्म शरीर माना जाता है, उसके ऊपर हमारा स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, है ना, और हम वी आर स्पिरिट सोल, हम हैं शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना चाहते हैं और हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये जो चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनको जस्ट बिकॉज हमने भगवत भक्ति में आने का मन बना लिया, उसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं, हमें इन चीजों को मेंटेन करते हुए, हमारी जो ड्यूटीज है इन सब चीजों के प्रति मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो अब हरिदास ठाकुर जो है, ही इज एक्टिंग कम्प्लीटली ऑन द सोल प्लेटफॉर्म, उनके पास कोई पोजेशंस नहीं है, कोई परिवार नहीं है जिसको उनको प्रोटेक्ट करना है, कोई घर गृह नहीं है जिसको उनको प्रोटेक्ट करना है, या कोई सोशल इंटरैक्शंस में उनको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, और उसके बारे में भी हम समझेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स गो इनटू दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिस्पेक्ट ना मिले तो हम पागल हो जाए, नहीं, दैट इज नॉट हमारा प्रचार, हमारा प्रचार है कि इंटरनली हमें कोई रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल द सेम, हम लोग सब पार्ट एंड पार्सल भगवान के हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमें कोई रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोशल इंटरकोर्स में ये इम्पोर्टेंट रहता है कि ये एक रिस्पेक्ट रहे आपस में, हम भी रिस्पेक्ट दे दूसरों को, दूसरे भी हमें दे, ताकि सोशल इंटरैक्शंस जो हैं जो बराबर चलते रहे, है ना। तो अब जैसे ये है कि ये जो हमारे शरीर के साथ में जो मैंने अलग अलग लेयर्स बताई है, इन्हें एक अलग वे में भी देखा जाता है, जैसे कि ये जो अन्नमय कोश है, तो हमें फिजिकल सेफ्टी और एक चाहिए, उसके बारे में हमारा फोकस रहता है, बॉडी का जो शरीर का अन्नमय कोश रहता है, 5 लेयर है, 5 कोश है, उसमें इसलिए वी वांट दैट आवर बॉडी इज रिस्पेक्टेड, आवर फूड इज रिस्पेक्टेड, आवर फिजिकल नीड्स आर रिस्पेक्टेड, है ना, बिकॉज आत्मा और शरीर को साथ में रख के ही तो हम भगवत धाम की भक्ति कर पाएंगे, तो इसलिए उस लेयर की रिस्पेक्ट ये है। प्राणमय कोश में हमें ये उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, जो हमारा प्राणिक शरीर है, प्राणिक हीलिंग है, चक्र है, ये है, नाड़ियां है, प्राणिक एनर्जी है, ईथर है, जो वो जो आकाश एलिमेंट वगैरह है, वायु है,
उस एलिमेंट में जब कॉन्शियसनेस डेवलप होती है हमारी, उस लेवल तक आप पहुंचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सिर्फ हमारी ही आवश्यकताएं नहीं है, जैसे अन्नमय कोश में हमारी आवश्यकता है, दूसरों की भी आवश्यकताएं हैं। तो हम सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करना सीखते हैं जब हमारा प्राणमय कोश अच्छे से चलता है, कि हमें को एग्जिस्ट करना हम सीखते हैं और हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करना सीखते हैं, इंटरैक्शन करना सीखते हैं, हमारे जो विचार है हमारे काम पर, हमारे परिवार पे, फ्रेंड्स पे, पॉलिटिक्स पे, अभी वॉर हो रहा है एक जगह पे उस पे, एंटरटेनमेंट पे, और ये सब चीज़ों पे फोकस होता है। ये सब सोशल इंटरैक्शंस जो होते हैं कि अच्छा मेरी भी नीड्स है, उनकी भी नीड्स है, कैसे कोएग्जिस्ट करना है ना। मनोमय कोश जो हमारी मेंटल लेयर, उस लेवल पे हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, लाइक्स है, डिजायर्स है, ये सब चीजें ऑपरेट करती हैं। सोशल प्रिंसिपल्स रहते हैं ताकि इंटरैक्शन सही रहे, एक दूसरे का ध्यान रहे, वो मेंटल लेयर पे डेवलप होता है। विज्ञानमय कोश पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि क्या सत है, क्या असत है, क्या मैटर है, क्या स्पिरिट है, और हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रहती है। और आनंदमय कोश इज जस्ट टोटल ब्लिस, जो एक भगवान के साथ हम कनेक्ट होके जो हमें मिलता है। तो जो हमारे हरिदास ठाकुर जी थे या जो बहुत एलिवेटेड डिवोटीज हैं, वो ऑलरेडी आनंदमय कोश पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी भी इच्छा है कि हम उस लेवल तक जाएं, हम भी भगवान के साथ लीन होके जो कनेक्शन जो हमारा होता है उसमें जो एक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंदमय कोश में हम उस आनंद की अनुभूति करें। लेकिन क्या है कि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं हैं। तो एक सोशल इंटरैक्शन में ये सब चीजें का हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो इसलिए ये चीजों का ध्यान है। अब जैसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे ये जो एक पास टाइम है जिसमें कृष्ण भगवान पर एक गलत आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने शत्रुजीत के भाई का वध कर दिया है और श्यामन तक का जो जूल है उसे चोरी कर लिया है, जबकि कृष्ण भगवान ने शत्रुजीत को कहा है कि भाई अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बड़े राजा को ये दे देना चाहिए, उग्रसेन जी को। शत्रुजीत होता है नहीं, मैं ही करूंगा क्योंकि इससे मुझे ही सारा सोना और सारा धन मिलता है। लेकिन उनका भाई वो गले में पहन के घूमने निकल जाता है, फिर वो कहीं कैप्चर हो जाता है एक शेर से, शेर उसका वध कर देता है, शेर वो श्यामन तक जूल, और वो मिल जाता है जाम्बवन जी को। अब कृष्ण भगवान पे उस राज्य में, उस जगह पर ये आरोप लगाया जाता है शत्रुजीत द्वारा कि उन्होंने हमारे भाई का वध किया है और ये श्यामन तक जूल भी चुरा लिया, ये सब कृष्ण भगवान ने गलत किया। तो कृष्ण भगवान, क्योंकि वो उस राज्य में वो मतलब काफी हाई पोजिशन पे हैं और वो काफी प्रजा का ध्यान रखते हैं, कार्य करते हैं, इफ हिज नेम इज टार्निश्ड तो फिर वो प्रजा के प्रति जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। वो अगर डिसरिस्पेक्ट आने लगे, उनके प्रति जो एक उनकी पोजिशन के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट आ गई, तो जो प्रजा के प्रति जो लालन पोषण का कार्य होता है एक राजा का, एक राज्याधिकारी का, वो नहीं कर पाएंगे। तो ही गोज टू क्लियर हिज नेम। सी, ये मैंने आपको कहा सोशल इंटरैक्शन में हमारे प्रति जो रिस्पेक्ट मेंटेन होना है वो हमें उसके लिए कार्य करना पड़ता है और दूसरों को भी हमें देना पड़ता है, नहीं तो सोशल इंटरैक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन ऑफकोर्स आप सब कहानी जानते हैं श्यामन तक मणि की, कैसे वो जाम्बवन से मिलता है और कैसे वो जूल भी मिल जाता है और वो जाम्बवती भी रानी बन के आ जाती है कृष्ण भगवान की। अब हम रामायण में देखते हैं कि जो युद्ध कांड जब समाप्त हो रहा होता है, एंड में जब रावण का वध हो जाता है, हनुमान जी सीता जी को लेकर आते हैं और वहां पर सब लोग असेंबल्ड होते हैं, तब रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरी ड्यूटी थी, रावण ने इतना कष्ट दिया, इसे करना, तुम्हें छुड़ाना, बट मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, बिकॉज आप कहीं पराए पुरुष के पास में रहकर आई हो, तो इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो देन सीता जी डज अग्नि परीक्षा और वो अग्नि परीक्षा सांच को आज नहीं, जैसे माई फादर ऑलवेज टीचेस दिस टू मी, सांच को आज नहीं, और वो कैसे अग्नि परीक्षा से आ जाती है और कैसे सारे देवी देवता उनकी इतनी रिस्पेक्ट हो जाती है कि सीता जी इतनी चेस्ट है, इतनी प्योर है कि ऐसे जगह पर रहकर भी वो इतनी प्योर है, और रामचंद्र जी इतने खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है सीता की प्योरिटी पे, बट यू नो एज अ किंग उनको वो एस्टैब्लिश करना होता है कि ये रानी जो आपकी बनेगी प्रजा की वापस आई है, ये फुल्ली प्योर है और फुल्ली केपेबल ऑफ रनिंग हर उस पोजीशन के लिए, वो फुल्ली एबल है और क्वालिफाइड है और फुल्ली प्योर है। सो दिस इज द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। ये सोशल इंटरैक्शंस के लिए ये सब चीजों का ध्यान देना होता है। अभी हम थोड़ी हमारे लेवल की बातें करते हैं, हमारे लेवल पे क्या होता है। अभी जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सो मेरा ये काम है कि टीचिंग है, टीचिंग का काम है, तो कई जगह पे अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता है टीचिंग के लिए कि आप यहाँ आके आप लेक्चर दीजिए, वो कीजिए, राइट। सबके अपने अपने काम होते हैं, आप अपने काम से रिलेट कीजिए।
तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो बुलाते हैं, जिस ढंग से बुलाया जाता है, जैसा वो उनका ढंग होता है, जो उनकी रिस्पेक्ट होती है काम के प्रति, वो अगर पहले मैं इग्नोर कर देती हूँ, अमान इन माने देना, वी शुड गो एवरीवेयर, और बाद में हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको शुरू से ही एक बराबर आपके जो कार्य का रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर फिर वो प्रोग्राम बराबर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, ऑडियंस बराबर नहीं रहती है, पूरा प्रोग्राम का मिसमैनेजमेंट रहता है और सबका टाइम वेस्ट होता है. सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वेन की ये जगह, जैसे कोई स्पीकर्स हैं, वो उसी जगह जाते हैं वे दे नो कि उनके काम की रिस्पेक्ट है. दे नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी रेम्यूनरेशन और एनीथिंग. यहाँ पे सिर्फ एक रिस्पेक्ट के कल्चर की बात करी जा रही है. दैट्स अ करेंसी. सो वो करेंसी जब नहीं मिलती है वहां पर, तब आपको पता है कि आप जब डिलीवरी भी देंगे पूरी, इट विल नॉट बी रिसीव प्रॉपरली. अनदर एग्जाम्पल है, जैसे कोई बॉस है और सबॉर्डिनेट है, वर्क प्लेस है ना, तो अब वो बॉस है, वो आपका जो रिपोर्ट है, अगर आप सबॉर्डिनेट है, आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, बट योर बॉस हैज जीरो रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके कार्य के प्रति बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है बॉस को आपके प्रति. तो आप कितना भी कार्य अच्छे करेंगे, आप कुछ वो प्रोजेक्ट में हमेशा हानि ही होने वाली है, बिकॉज देर इज नो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट. आपके आइडियाज आप देंगे, दे विल नॉट बी रिस्पेक्टेड. आप कुछ काम करने जाएंगे, वो बॉस अपनी इनसिक्योरिटी के कारण आपको वो चीजों में बढ़ावा नहीं देगा, आपकी जो कंपनी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इज नॉट देयर. इवन आपके टीम वर्कर्स में अगर कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है आपस में, तो आपस में टीम इंटरेक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, अगर हम एक दूसरे की कैपेबिलिटीज रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो काम इफेक्ट होता है, प्रोग्रेस इफेक्ट होता है, मोरल डाउन हो जाता है. सिमिलरली अगर बॉस बहुत अच्छा है लेकिन जो लोग हैं नीचे वो उसको रिस्पेक्ट बराबर नहीं देते हैं, बिकॉज वो यू नो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस एक बहुत बड़ी चीज है आजकल की. बॉस हैज टू शो अप एज एन एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस सो दैट द पीपल कैन रिस्पेक्ट, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बाहरी थिंग्स, मतलब क्वालिटीज से ना. तो अगर उसकी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस उतनी नहीं है तो वो मीटिंग में बोलेंगे चीजें लेकिन उनकी बातें सबॉर्डिनेट काट देंगे, तो वो जो काम होने हैं वो नहीं होंगे. तो दैट्स वाई ये कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है. आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि वाई इज दिस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, और इससे आपको क्या फायदा होगा, आज आप क्या सीखना चाहते हैं इस शो से, सो दैट हम इस उन चीजों के बारे में हम ध्यान दें. तो यहाँ पे किसी ने लिखा है हाउ टू बी डेयरिंग, हाउ टू एक्सप्लोर डेयरिंग इन जनरल, और कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं. तो यू टेल अस हाउ, व्हाट डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस शो, सो दैट मैं वो चीजें कवर कर सकती हूँ. नाउ इसका मतलब ये है कि अगर हमें रिस्पेक्ट ना मिले तो हम डिस्टर्ब हो जाए, नहीं, हमें ये कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट करना है. हम रिस्पेक्ट करें, दूसरे भी हमारे काम की, हमारे आइडियाज की, हमारे सेल्फ की रिस्पेक्ट करें. लेकिन अगर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है और उसके तो आरन हम अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैट मीन्स हम बॉडी और उसकी चीजों से अटैच्ड है, हमने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखे. सो अंदर से हमारा मूड ये होना है कि वी डोंट नीड रिस्पेक्ट. अगर रिस्पेक्ट नहीं मिला तो हम मायूस हो गए, गुस्सा हो गए, जैसे वो शादी में कोई फूफा जी परेशान हो जाते हैं, उनको बराबर रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता तो वो गुस्सा हो गए, शादी छोड़ के चले जाएंगे. नहीं, वैसा नहीं करना है हमें. हमें इंटरनली वी डोंट नीड एनी रिस्पेक्ट, बट एक्सटर्नली एक कल्चर है और वो कल्चर एस्टेब्लिश होना चाहिए. सो ये हमको ध्यान में रखना है. कई और परिवार में भी अगर बड़ों की हम रिस्पेक्ट ना करें तो बड़ों से जो आशीर्वाद का फ्लो है, जो नॉलेज का फ्लो है, जो मेच्योरिटी का फ्लो है, जो हमें जो प्रोटेक्शन का फ्लो है, वो थोड़ा कम हो जाता है. और अगर छोटों की रिस्पेक्ट ना की जाए तो उनका जो ग्रोथ है एज एन इंडिविजुअल वो कट जाता है. सो दैट्स वाई दिस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अब हाउ टू डू, क्या किया जाए ताकि वी कैन अर्न रिस्पेक्ट, बिकॉज ये रिस्पेक्ट ऐसे फ्री में नहीं मिलता है, मैं महान हूं तो मेरी रिस्पेक्ट करो. ये रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है, ये इसको हमें कमाना पड़ता है हमारे एक्शन से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे बिहेवियर से. सो अगर हम चाहते हैं कि मेक टू दैट मेक पीपल रिस्पेक्ट यू, आज का हमारा टॉपिक है अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, 10 टिप, तो वो अभी आ रही है आपके सामने. तो उसके लिए हमको भी एक प्रॉपर रिस्पेक्टेबल पर्सन जैसे शो अप करना पड़ता है, प्रॉपर बिहेवियर के साथ में, प्रॉपर थिंग्स के साथ में. तो मैंने यहाँ पे आपके साथ में आज मैं 10 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, और आपके भी कुछ और पॉइंट्स होंगे इनसे हटके, प्लीज आप वो भी कमेंट्स में शेयर कीजिए, सो दैट हमारे पास में इतने सारे एंगल्स ऑफ विजन है सेम चीज के बारे में, और हम कितना कुछ एक दूसरे से सीख सकते हैं. तो मैं थोड़ा यहाँ पर कॉमेंट्स भी देख रही हूँ कि
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिस्पेक्ट ना मिले तो कैसे हैंडल करें. यस, वी विल कवर दैट ऑल्सो. और कई और हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस लेवल. ओके, यस, वो भी हम कवर करने वाले हैं आज. चित्रा लखानी जी, अमृता जेब जी, रिस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्न. अमृता देव जी का भी अच्छा कमेंट है. और यहाँ पर और भी कैसे अपनी रिस्पेक्ट बनाए, कैसे माइंड माइंड स्टेबल रहे अगर रिस्पेक्ट मिले. और कई कई सारे लोगों के थॉट्स है, दैट इज़ गुड. आप शेयर करते रहिए, मैं भी देखती रहूँगी बीच में और सब लोग भी देखते रहेंगे. तो नंबर 1, टू गेट रिस्पेक्ट, अगर हम चाहते ना कि हम दूसरों की अर्न करें रिस्पेक्ट, अगर पहले हम खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें, खुद को ऑनर करना सीखे, खुद का सम्मान आत्मसम्मान करना सीखे. कई बार क्या होता है, हम खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें खुद में ही आत्मसम्मान नहीं रहता है और हम वो बाहर ढूंढते रहते हैं और बाहर से नहीं मिलता है, तो हम बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं. लेकिन सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना है. एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है जिसे हमें कल्टिवेट करना है. रिस्पेक्ट अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस, आपकी जो जर्नी रही है उसके प्रति रिस्पेक्ट, आपकी जो आवश्यकता है उसका ध्यान देना, आपकी जो फीलिंग्स हैं उनका ध्यान देना, उनका अपने आप का ध्यान देना, आपकी जो फिजिकल अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की जो नीड्स है हर लेवल पे उनका ध्यान रखना, आपके जो एस्पिरेशंस हैं उनका ध्यान रखना और उनको बढ़ावा देना, और आपकी पूरी लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके डिसीजंस, आपकी जर्नी, पहले हम खुद को हमें रिस्पेक्ट करना सीखना है. और जब हम अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, तब पीपल ट्रीट यू अकॉर्डिंग टू द वे यू अनकॉन्शियसली ट्रीट योर सेल्फ. तो जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हैं, लोग आपको उससे और अच्छा ट्रीट नहीं करने वाले हैं. अगर जैसे ना मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर आप अपना ध्यान देते हो, राइट, कि भाई मैं साफ चादर पे सोती हूँ, मैं सफाई से रहती हूँ, मैं टाइम टू टाइम खाती हूँ. मैं नहीं कह रही हूँ रिजिड रूल्स बनाइए ताकि लोग आपको इम्पोर्टेंस दे और आपका वाहवाही हो और बढ़ावा हो, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ. लेकिन ये पहले हमें खुद की रिस्पेक्ट करना है. तो जब आप अपनी नीड्स की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे भी फिर आपको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं जैसे आप, ठीक है, नहीं, ये साफ चादर पे सोती है, इसे साफ चादर देनी चाहिए, या आज का खाने का ये टाइम है, सो लेट मी रिस्पेक्ट दैट टाइम. एंड अगर वो नहीं रिस्पेक्ट करे, कोई बात नहीं, आप खुद का ध्यान रख सकते हैं ना, हमें नहीं है जरूरत, हम खुद का ध्यान रख सकते हैं और खुद आगे बढ़ सकते हैं. जैसे हरिविलास प्रभु जी है, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, सियाटल में प्रभुपाद के शिष्य हैं, महाराज हैं अब. उनके उन्होंने एक प्रभुपाद के साथ एक स्टोरी बताई थी हमें, कि उन्होंने कुछ फ्रांस में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था प्रभुपाद के लिए वगैरह. फिर वहां से वो जा रहे थे, लेकिन गाड़ी नहीं आई थी या टैक्सी नहीं मिल रही थी. तो शिष्य चाहेगा ना कि गुरु कंफर्टेबल रहे, तो उन्होंने ऐसी जहाँ वो खड़े थे रोड, मतलब वो टाउन में, तो वहां पर एक रेस्टोरेंट जैसा था, वहां पे चेयर थी. तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को, आप यहाँ बैठिए जब तक कार आती है. और तब यू नो अर्ली डेज था, इतनी इनके पास फैसिलिटीज वगैरह नहीं रहती थी, लेकिन ये लोग हमेशा चाहते थे कि गुरु को हमें आदर सत्कार से रखना है. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, और क्योंकि दैट वॉज अ बार. तो प्रभुपाद जी ने कहा, गुरु के नॉट सिट एट सच अ प्लेस, मतलब जो गुरु है वो ऐसी जगह पे बार में अगर बैठेंगे तो उनकी क्या रिस्पेक्ट होगी, चाहे इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, बट आई कैन नॉट सिट एट सच अ प्लेस. तो फिर प्रभुपाद दे ही जस्ट स्टूड ओवर देयर. सो ही ट्रीटेड हिज गुरु की जो उनकी पोजिशन है, प्रभुपाद जी ने उसको एक आदर सत्कार से ट्रीट किया, और तभी उनके शिष्यों ने भी वो चीजें सीखी. हरिविलास महाराज सो मर्सीफुल एंड सो हम्बल, उन्होंने बोला कि यस, मैंने ये चीज सीखा कि यू नो चाहे मैं रिस्पेक्ट ही दे रहा था उनको बाय सिटिंग यू नो प्रॉपर चेयर, बट प्रॉपर पोजिशन मुझे देनी चाहिए गुरु को. एंड डज प्रभुपाद को खुद के लिए रिस्पेक्ट चाहिए? नहीं, बट दिस इज उस पोजिशन की रिस्पेक्ट बराबर से देना. तो आपको भी अपने जीवन में आपका रिस्पेक्ट देना है, अपनी नीड्स के प्रति रिस्पेक्ट देना है. मैं सेल्फ लव है, ये है, वो है, मेरे चैनल पे मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है हर टॉपिक पे, जो हरे कृष्णा टीवी के शोज है और भी वीडियोज है. सो सेल्फ लव पे भी यू नो वी हैव 5-6 वीडियोज नाउ, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं. बट हमें इंटरनली वी शुड नॉट हैव अ नीड फॉर रिस्पेक्ट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. तो जैसे हम हमारे नीड्स, फीलिंग्स, एस्पिरेशंस, डिजायर्स, हमारी लाइफ, हमारी जर्नी, इस सब की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वैसे ही हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना है, टू अर्न रिस्पेक्ट, राइट? सो ट्रीट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. वेन यू गिव रिस्पेक्ट, वेन हम रिस्पेक्टफुल होते हैं दूसरों के प्रति, तभी लोग हमारे प्रति भी रिस्पेक्टफुल होंगे, और कई लोग ना भी हों, एंड दैट्स ओके. बट इन जनरल
हम जब रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को रिटर्न में, पीपल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, तो प्रॉपर लविंग एक्सचेंजेस हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। तो हमें पहले रिस्पेक्टफुली लोगों को ट्रीट करना है और हमें नॉन जजमेंटल रहना है। कई बार हम क्या बहुत धारणाएं बना लेते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था मेरे सोशल मीडिया पे कि कई बार वो भी राइट हो सकते हैं, हम भी राइट हो सकते हैं, एंड दैट इज मैच्योरिटी टू नो दैट बोथ कैन बी राइट इवन इफ बोथ आर अपोज्ड। तो हमें नॉन जजमेंटल रहना है क्योंकि हर एक इंसान के एक पर्टिकुलर डिसीजन के प्रति बहुत सारी गहरी बातें होती हैं, तो उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम डिसीजन पे जज करते हैं। तो हमें जज नहीं करना है, नॉन जजमेंटल रहना है, दैट इज पार्ट ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू अ पर्सन, बिकॉज सब लोग भगवान के अंश हैं। जैसे आप भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। भगवान उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, और आपकी भी करते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान और प्रेम से रहना है और हमें हमारे रिलेशनशिप्स को वैल्यू देना है। तो पॉइंट नंबर वन इज रिस्पेक्ट योरसेल्फ, पॉइंट नंबर टू इज रिस्पेक्ट अदर्स। तो ये क्लियर हो गया। अभी आपने खुद को रिस्पेक्ट करना सीख लिया, आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े हटके होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, टाइम लगता है। तो इसलिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। अभी 2 weeks और 3 weeks ago हमने एक शो किया था कि कैसे बाउंड्रीज सेट करें टुवर्ड्स टॉक्सिक पीपल, बट जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक चीज में अप्लाई हो सकते हैं, नॉट जस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो आप वो सुन सकते हैं, डिटेल में बाउंड्रीज पे शो हुआ है। तो जब कई ऐसे हटके लोग होते हैं कि आप उन्हें आत्मसम्मान भी दे रहे हैं बट दे डोंट रिस्पेक्ट यू बैक, तो उसके लिए थोड़ा सीमा प्रबंधन करना जरूरी होता है। और जब सीमाएं रिस्पेक्ट की जाती हैं तो सब कॉर्डियलिटी से रहते हैं। जहां सीमा का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, किसी की इंडिविजुअलिटी का, किसी की आइडेंटिटी का, वेदर इट इज अ ह्यूमन बींग और अ सिटी और अ नेशन, वो इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है तो इंडिविजुअल रिटेलिएट करता है। तो इसलिए सीमा बंधन बनाने से एक्चुअली रिश्ते ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि और आप बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे कह रहे हैं या सेट कर रहे हैं, कई बार बोलने की भी जरूरत नहीं होती कि नहीं मैं चाहती हूँ कि आपके साथ रिश्ता हो, लेकिन क्या ऐसे हो तो आई कैन हैव, नहीं तो क्या मैं भाग नहीं रहे हो ना आप रिश्ते से। आप कह रहे हो नहीं मुझे आपके साथ रिश्ता रखना है, लेकिन थोड़ा ये कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट बनाते हैं थ्रू बाउंड्रीज। तो आप भी लोगों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कीजिए जो उन्होंने सीमाएं आपके साथ तय की हैं, और आप भी अपनी सीमाएं स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो वो बाउंड्रीज हेल्प अपने इमोशंस के प्रति, आपके समय स्पेस है, जो बातें बातचीत करनी है नहीं करनी है आपको, मीटिंग्स कैसी लंबी लंबी मीटिंग्स हो जाती है काम पे, अपने चीजों के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति। तो ये बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। दैट इज अनदर वे टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू एंड योर टाइम एंड यू एज अ ह्यूमन बींग, ताकि आप अच्छे से उनकी भी सेवा में प्रस्तुत रहें और रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे रहें। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल रिस्पेक्ट की मेरा आदर सत्कार हो, मैं बहुत महान इंसान, वो बहुत तामसिक प्रवृत्ति है, हम उसके बारे में नहीं, उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि ऐसी चीज का प्रचार हो, है ना, बट हम जस्ट चाहते हैं ताकि सब चीजें स्मूदली हो, सोशल डिस्कोर्स अच्छे से हो, सांसारिक व्यवहार अच्छे से चलता रहे, इसलिए कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट जरूरी है। नंबर फोर इज, आप अगर रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं लोगों का, तो आपको आपके इमोशंस को बहुत रेगुलेटेड रखना है, संयम में रखना आना चाहिए। हम क्या, इमोशन आता है फिर हम उस इमोशन पे रिएक्ट कर जाते हैं और हम फिर बहुत रिएक्टिव से हो जाते हैं, राइट। लोग उनके फिर ऐसे कहते हैं, अरे ये बहुत ही इमेच्योर है, बहुत चंचल है, अरे ये बहुत, शी इज ऑल ओवर द प्लेस, इंग्लिश में हम ऐसे बोल देते हैं जो इमोशनली रेगुलेटेड नहीं होता है, क्योंकि वो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, फिर उनके साथ में हमको बार बार वो अलग अलग नया नया उनका जो माइंड चलते रहता है उसके साथ में हम डील करते रहते हैं, सडनली गुस्सा हो जाते हैं, सडनली खुश हो जाते हैं, समझ नहीं आता उनका, राइट। तो हम क्या चाहते, हम फिर ऐसे लोगों से थोड़ा दूर हटना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा बनना है कि पहले हम इमोशनली रेगुलेटेड रहें, हमारे इमोशंस हमारे संयम में रहे, हम शो कर चुके हैं स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल, और सेल्फ सफिशिएंसी रहे। पीपल डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु आर नीडी, जो सारे टाइम ये चीज, अरे आप मेरे साथ नहीं बैठते, अरे आपने टाइम स्पेंड नहीं किया, अरे आपने पार्टी में नहीं बुलाया, अरे आपने मुझे ये नहीं दिया, अरे आपने मेरे को आदर सत्कार नहीं दिया, अरे आपने खाने पे नहीं बुलाया, अरे खाने पे बुलाया तो ऐसा, अरे मुझे 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 ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कई लोग एक विक्टिम माइंडसेट पे रहते हैं और सारे टाइम उनको रखते रहता है कि, जैसे एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले फोन किया था कि मदर की काफी एज हो गई है उनके 74 वगैरह, और वो बहुत परेशान सी रहती है शरीर के कारण, और वो सारे टाइम यही बोलती रहती है घर में कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते।
तो जो हस्बैंड है, जो फादर है मेरे फ्रेंड के, उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे बुला ले, मैं थोड़े दिन ब्रेक चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, इट इज टू टॉक्सिक फॉर मी। सो जब हम ऐसे नीडीनेस में रहते हैं ना, जिसमें विक्टिम माइंडसेट में और ब्लेम करते रहते हैं, हमें लगता है कि बड़ा पावरफुल पोजीशन है कि हम लोगों से काम करवाएंगे, रिस्पेक्ट हासिल करेंगे, बट पीपल डोंट वांट टू बी विद अस। वो ऊपर ऊपर से कर देंगे ताकि हम चुप रहे, ताकि उनका हमारा टेप बंद हो जाए, बट इंटरनली उनको नहीं चाहिए कि वो हमारे साथ में रहे। हाउएवर दे आर ड्यूटीफुल, बट उनको नहीं कंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए ये नीडीनेस हमें कम करनी है, हमें विक्टिम माइंडसेट से निकलना है, हमें ये जानना है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं पूर्ण हूँ, आई एम स्पिरिट सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड मैं पूर्ण हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो ये सेल्फ सफिशिएंट जो लोग होते हैं, हु डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स, वेदर इट इज इमोशनली और फिजिकली ऑल्सो, लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट होती है। अब आप सोचिए, नहीं मेरे घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ग्रेजुअली टाइम लगता है, ये कोई बटन नहीं है, स्विच नहीं है। आजकल हमको सेलफोन की आदत हो गई, बटन दबा ऐप खुलता है, ऐसा नहीं होता है लाइफ में, टाइम लगता है। एंड देन अगर कई लोग आपको ये करने के बाद में भी दे कांट रिस्पेक्ट यू, तो मतलब उनके में प्रॉब्लम है, उन्हें रिस्पेक्ट किसी को देना नहीं आता है, उनको अपनी इनर ग्रोथ पे वर्क करना है, उसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। इमोशनल रेगुलेशन में एक और बात है कि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा हो, तब भी अपने इमोशंस को रेगुलेटेड रखना, अपना संयम रखना और अपना ध्यान रखना, और उस नीड को धीरे धीरे कम करना, नीड फॉर रिस्पेक्ट। एक्चुअली जब हमारी नीड फॉर रिस्पेक्ट जितनी कम होती जाती है, उतनी ज्यादा हमें रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है, बिकॉज फिर हम ऐसे एक्ट नहीं करते, मुझे रिस्पेक्ट यहाँ मिलेगा चलो मैं ये एक्शन करती हूँ, यहाँ मिलेगा ये एक्शन करती हूँ, हम सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं। तो अपने आप नेचुरली पीपल वॉन्ट टू बी विद अस एंड वॉन्ट टू रिस्पेक्ट अस एंड बी विद अस, बिकॉज हम नीडी नहीं है, हम उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं। तो ये, और ये सेल्फ सफिशिएंसी भगवान के साथ कनेक्शन में आती है। इससे रिलेटेड एक कहानी का चित्र है, यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति है वो यज्ञ करते हैं, और कैसे उस यज्ञ में सब देवी देवता होते हैं, सब लोग, इतने सारे लोग विराजमान होते हैं, और वो कैसे शिव जी की कितनी इंसल्ट करते हैं, लेकिन शिव जी देखते हैं वहां पर, चुप रहते हैं, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है। और वो वहां से शिव जी के फॉलोअर्स और दक्ष प्रजापति के फॉलोअर्स में काफी आर्ग्यूमेंट से होने लगते हैं, और शिव जी को बड़ा खराब लगता है कि ये ऐसे क्यों लड़ रहे हैं लोग। तो शिव जी को लगता है कि सबसे बेस्ट यही रहेगा कि मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ, क्योंकि अगर वो उठेंगे तो नंदीश्वर भी उनको साथ जाएंगे, और नंदीश्वर वहां पे काफी अपने महाराज की रिस्पेक्ट नहीं मिली, उसके लिए डिफेंड कर रहे थे। तो शिव जी फिर वहां चले जाते हैं। अभी आज हम ये कहानी ढूंढ पढ़ रहे हैं, भागवत में इसका वर्णन है, और कल महाशिवरात्रि का पर्व था, कि शिव जी कि ही इंटरनली ही हैज नो नीड फॉर रिस्पेक्ट। तो उनको जब रिस्पेक्ट नहीं मिला, ही वाज इमोशनली रेगुलेटेड, और वो वहां से चले गए, उनको कोई नीड नहीं थी। और उनके इस एक्ट से आज हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज, हमें हमारी जो लाइफ है, तो अभी तक हमने चार पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहले आप खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखिए, बाउंड्री सेट कीजिए, इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ सफिशिएंसी में रहिए, और अपनी लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबल वाइफ, मदर, फादर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, सन, डॉटर, पेरेंट, सिटीजन, ऐसे रिस्पॉन्सिबली हमें जीना चाहिए हमारी लाइफ को। तो जब हम वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करते हैं, क्या होता है, हमें वो शॉर्टकट बड़े पसंद आते हैं, जहाँ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया, मैंने ये कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन क्या होता है, जब वो क्या होता है, आपकी धीरे धीरे आपकी जो ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, वो कम होती जाती है। बट वेन यू लीड अ लाइफ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी ड्यूटीज बराबर करते हैं। भगवान कितनी बार गीता में कहते हैं, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मुझे लगा क्या है, बार बार भूल रहे हैं। लेकिन बहुत साले बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, जब हम हमारी ड्यूटी अच्छे से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करते हैं, उससे हमारा माइंड रेगुलेटेड रहता है, इमोशंस रेगुलेटेड रहते हैं, हम अपने आप को अपलिफ्ट कर पाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारे इमोशंस को, हमारे संयम को, हमारे पर्सनैलिटी में एक ठहराव रहता है, गहराई रहती है, और उसके कारण भी वी आर एबल टू अर्न रिस्पेक्ट। सो डू योर ड्यूटीज, लिव अ रेगुलेटेड लाइफ प्रॉपरली टाइम टू टाइम, अपने रिश्तों में भी एक रेगुलेशन, अपने लाइफस्टाइल में एक रेगुलेशन, अपनी ड्यूटीज में रेगुलेशन, अपने कार्य में रेगुलेशन, अपने एंजॉयमेंट में रेगुलेशन, ये सब रिस्पॉन्सिबली जीवन जीने से भी हमारे कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस आता है, एंड वी बिकम अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक क्लिनिक है, मैं जाती हूँ कई बार वहां पर, वहां पर दो डॉक्टर बैठते हैं,
एक डॉक्टर है, इज वेरी फ्रेंडली, बहुत चिट चैट, और आज का लेटेस्ट फिल्म क्या है, लेटेस्ट म्यूजिक क्या है, ये है वो है, वेरी फ्रेंडली, वेरी चार्मिंग पर्सन. शुरू में आप एकदम यू नो चकाचौंध हो जाते हो उनसे बात करके. एंड द अदर डॉक्टर इज ऐसे नॉट सो चकाचौंध, वो बड़े ग्रेव हैं और ट्रीटमेंट वगैरह काम वगैरह करते हैं, बराबर से मैनेज करते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब जाते हैं, आपको समझ में आता है कि ये तो सिर्फ चकाचौंध है ये वाले, ये कुछ काम तो नहीं करते हैं. और क्योंकि वो कुछ काम बराबर नहीं करते हैं, क्लिनिक को भी बराबर मैनेज नहीं करते हैं, और आपका भी जो पेशेंट केयर होता है वो सिर्फ बातों से तो नहीं होता ना, डॉक्टर हैज टू डू देयर जॉब एंड डू द पेशेंट केयर. वो पेशेंट के पास आ रहे हैं देखने, फिर बाद में बोले नहीं मुझे भूख लग रही है मैं जा रहा हूँ अभी, ये वो, ही डजंट डू हिज ड्यूटीज प्रॉपरली. तो उनकी रिस्पेक्ट पेशेंट्स की नज़रों में भी कम होती जा रही है, और जो स्टाफ है वहाँ पे उनकी नज़रों में भी कम होती जा रही है. तो कोई पेशेंट उनके पास जाना नहीं चाहता, वो जो इतने भी फ्रेंडली डॉक्टर नहीं है लेकिन अपना काम एकदम रिस्पॉन्सिबली करते हैं, पूरा ध्यान लगाकर एक रेगुलेशन के साथ, लोग उनके पास जाना चाहते हैं और उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है. तो ऐसे ये चीज़ें हमें समझनी है. अब ये सब करने के बाद में भी कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, देन दैट इज देयर प्रॉब्लम. उन्हें नहीं आता है रिस्पेक्ट देना लोगों को, तो उनके बारे में हमें वरी नहीं करना है, बिकॉज हम सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम अपने गोल्स पे फोकस्ड हैं. नंबर 6 इज कंसिस्टेंसी. कीप योर प्रोमिसेस. आप जो टाइम प्रॉमिस किया है वो चीज पे आपको वो यू नो एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, प्राण जाए पर वचन न जाए. एक कमिटमेंट की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, हमारे प्रोमिसेस की कुछ वैल्यू होनी चाहिए. और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज, लेकिन आजकल लोगों का देखा है, अरे प्रॉमिस कर देंगे, बाद में 2 दिन बाद फोन करेंगे नहीं नहीं आई कांट डू दिस, बाद में कुछ और प्रॉमिस करेंगे, बाद में यू नो देन दे से समथिंग एल्स. जैसे एक जैसे मैं कहती रहती हूँ ना, गाइडेंस लीजिए. मेरे भी एक नेटवर्क ऑफ मेंटर्स है हर चीज में, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मेरे काम में भी काफी सारे मेंटर्स हैं. सो वन ऑफ द मेंटर्स इज वेरी हेल्पफुल व्हेन ही टॉक्स. लेकिन वो जब भी उनके साथ मीटिंग सेट करो, एंड मेंटर मेंटी रिलेशनशिप इज इट इज नॉन यू नो नॉन कमर्शियल, बिजनेस कोचेस के साथ में कमर्शियल रहता है, तो उसमें उनके साथ में टाइम सेट करो. आफ्टर 4 कैंसलेशन फाइनली 5th अपॉइंटमेंट मिलता है आपको उनके साथ में. 5th अपॉइंटमेंट में वो अपने कमिटमेंट को, अपने टाइम को, ही इज देयर. तो अभी क्या हो गया है कि आफ्टर लाइक सो मेनी यू नो कपल ईयर्स आई हैव ट्राइड टू बी पेशेंट, गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि नहीं रियली बिजी होंगे वगैरह, बट फाइनली नाउ मैंने फिर यही सोचा ना कि मेरा टाइम भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, उनका भी कुछ यू नो अलग अलग, ही इज बिजी, तो इट्स बेटर आई डोंट गो बिकॉज इट्स टू मच टाइम वेस्ट फॉर मी, राइट? तो वो कमिटमेंट दिया है और वो हर टाइम सॉरी बोलते हैं, हर टाइम ये होता है. लेकिन क्या होता है, जब बार बार ऐसे हैबिट होने लगती है, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी बिकॉज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम, बट एक बार बार ये होता है तो आपको फिर इतना ट्रस्ट नहीं आता है कि अरे यू नो टाइम आने पे ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे. सो आप थोड़ा हट जाते हो. तो इसलिए फर्स्ट वी बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू. कीप योर प्रोमिसेस, कीप योर कमिटमेंट. किसी को वेट करवाना इज नॉट लाइक हाँ हाँ मेरी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है. कोई जगह पे लेट पहुंचना, 10 लोग मेरी वेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. अपने टाइम की वैल्यू, प्रोमिसेस की वैल्यू और स्टेडीनेस. जो हम कार्य कर रहे हैं, जो लोग हम पर डिपेंडेंट है वो कार्यों के लिए, उसको हमें पूरा करना चाहिए. तो अगर हम वो सब नहीं करते हैं तो हमारे में, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारे कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे यू नो वी डोंट लाइक इट. जैसे अगर मैंने इंटरनेट लिया है, अब वो इंटरनेट का एक पर्टिकुलर कमिटमेंट है कि अच्छा ये ऐसे होना चाहिए. अब वो इंटरनेट उतने MBPS का नहीं आ रहा है, उतना यू नो वो कभी सर्विस होती है कभी नहीं होती है, ये नहीं होती वो नहीं होती. तो जब वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो प्रॉमिस नहीं किया, अब इंटेंट जा रहा है, देन आई गिव अप द सर्विस, मैं कहीं और जाती हूँ. मुझे फिर वो सर्विस के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होती, उसको फिर बैड रिव्यूज मिलने लग जाते हैं. सेम चीज हमारे लाइफ में होती है. जैसे एक माँ है, वो बच्चों से काम करवाने के लिए, अच्छा तो ये करेंगे मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ठीक है वहां तक ठीक है, वो बच्चे को कभी चॉकलेट नहीं मिलती, या तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें बाहर किड्जेनिया लेकर जाऊंगी, वो कभी किड्जेनिया नहीं लेकर जाती, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये खरीद के लाऊंगी, वो कभी वो होता नहीं. तो बच्चे दे डोंट हैव रिस्पेक्ट कि यू नो यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड. ये 5-6 साल के लोगों को भी समझ में आ जाता है, तो उनको एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि कैसे इंटरेक्ट करें इनके साथ में, राइट? सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज हेल्पिंग एंड सर्विंग अदर्स. ये भी एक बहुत जरूरी है. रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि लोग मेरी सेवा करें, वो एक पुराना स्टाइल है जो वर्कआउट नहीं होता है. हम उतने रिस्पेक्ट अर्न करेंगे जितना हम सेवा भाव में रहेंगे. जैसे हमारे कम्युनिटी में एक हुआ करते थे जो राजस्थान से बॉम्बे आए, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया,
और फिर उन्होंने इतने सारे लोगों को गांव से लाकर बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया, जॉब्स दिलवाए, उनको हेल्प किया, उनको जॉब में भी हेल्प किया और इतने सारे घर बनवाए, इतने सारे परिवार बनवाए उन्होंने, जस्ट कॉन्स्टेंट एक्ट्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस. ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दोज पीपल टू रिस्पेक्ट हिम, बट ही वॉज जस्ट सर्विंग देम. किसी की लाइफ में एक इम्पैक्ट लाया, उसको मतलब घर बनाया, उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखा, उनके जो तकलीफ थी उसमें उनको हेल्प किया, कभी हेल्थ में, कभी किस में, कभी कुछ में. आई यूज टू सी कि हमारी कम्युनिटी में कोई भी बीमार होता था, वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसको एडमिशन करवा देते थे अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अच्छे से अच्छा केयर, और खुद पहुंच जाते थे उसके लिए. हाँ, सो हेल्पिंग एंड सर्विंग अदर्स, उसके बाद में कम्युनिटी में उनके प्रति इतनी रियल रिस्पेक्ट है. सो आप कितना दूसरों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कितना मीनिंगफुल काम कर रहे हैं उनके लिए, कितना हेल्पफुल काम कर रहे हो उतने, अपनी यथाशक्ति, भाई इनकी शक्ति काफी बड़ी थी, आप यथाशक्ति कीजिए. तो जब आप किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं, किसी के जीवन में भगवत भक्ति ला सकते हैं, किसी के जीवन में उनकी तकलीफ से आप उनको छुटकारा दिला सकते हैं, तो कितना उनको कितना लोग, यू नो, दैट इज हाउ यू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, थ्रू सर्विंग देम. अभी जैसे कोई एक सेल्फिश इंसान है, वो सारे टाइम यही सोच रहा है कि अरे मैं बैठी हूँ, मुझे उसने पूछा ही नहीं, मुझे उसने ये दिया ही नहीं, मैं तकलीफ में थी, वो लोग आए ही नहीं मेरे पास, और फिर वो जाके लोगों को दस्ताने भी सुना दे. लेकिन इस इंसान की जब फ्रेंड्स ने उनको इतनी सेवा करी है, टाइम टाइम पे उनके बच्चे बीमार हुए तो उनको खाना भेजा, होमवर्क का कैचअप करवाया, या क्लासेस में उनके बच्चों को लेकर जाना, लेकर आना, लेकिन ये जो सेल्फिश बंदी थी, इन्होंने कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया दूसरों का, उनको सेवा नहीं करी. तो आफ्टर अ पीरियड क्या हुआ, वो फ्रेंड सर्कल छूट गया और वो अकेले हो गए. तो ये हमें समझना है कि रिस्पेक्ट ये नहीं कि मुझे कोई मेरी सेवा करे, हम दूसरों की सेवा करें, वी विल गेट रिस्पेक्ट. एंड बाउंड्रीज के बारे में हम बात कर चुके, तो बाउंड्रीज होना जरूरी है. और इट इज हैविंग अ मॉरल कोड. अभी कुछ धर्म नाम की चीज होती है, कुछ राइट एंड रॉन्ग नाम की चीज होती है. अगर हम कंटिन्यूसली, हम इसका अर्थ ये नहीं कह रहे किसी को पता नहीं चला, वो पता किसी को नहीं चला, लेकिन आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपके वर्ड्स का इम्पैक्ट वगैरह सब कम होते जाता है व्हेन यू डोंट फॉलो अ मॉरल लाइफ. तो जब हम धर्म फॉलो करते हैं, धर्म हमें एक अलग सी स्ट्रेंथ देता है, हमारी पर्सनालिटी को एक अलग स्ट्रेंथ देता है, और उससे हम एक लोग जब देखते हैं कि अरे कितना अच्छे से दे आर लीडिंग देयर लाइफ ऑफ वैल्यूज, बिकॉज सबको मालूम है वैल्यूज के साथ जीवन जीना कितना मुश्किल होता है, कितनी पीड़ा आती है. लेकिन जब कोई देखते हैं कि यह लिविंग, ये वैल्यूज के साथ जीवन जी रहे हैं, तब वो हमें ट्रस्टवर्दी समझते हैं और उनके मन में एक रिस्पेक्ट रहती है आपके प्रति, दे नेचुरली रिस्पेक्ट यू. सो ये मॉरल कोड रखना. और दो और पॉइंट्स है, बिकम एन एक्सपर्ट, एक दक्ष बनो एटलीस्ट कोई एक फील्ड में. हम क्या है, रिस्पेक्ट की खोज में हम 10 चीजें करने की कोशिश करते हैं, 10 चीजें अपना इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं. ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि वो हर चीज में, हर जगह पे, हर गेट टुगेदर में उन्हें पंच बन के दिखाना होता है, एक्चुअली उनको डेप्थ नहीं है, और वो धीरे धीरे दिख जाता है कि दिस पर्सन डजंट हैव डेप्थ. बट इट इज बेटर कि आप एक चीज में डीप जाओ, उस चीज में एक्सपर्ट बनो, और उस चीज से लोगों, अपना भी काम आगे बढ़ाओ, उस चीज से लोगों को भी आप हेल्प करो उसको. तो इससे क्या होता है, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है. किसी ने प्रश्न पूछो हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस, पहले कॉन्फिडेंस, आप कोई चीज में एक्सपर्ट बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली हर चीज में आगे बढ़ने वाला है ना. और इससे आपका एक कैरेक्टर में भी एक स्ट्रेंथ आती है, बिकॉज कोई चीज में एक्सपर्ट बनना मीन्स आपको अपने माइंड को बहुत मैनेज करना पड़ता है. काफी सारी हमारी डिजायर्स को इधर उधर से आ रही होती है, उनको मैनेज करना पड़ता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर आते हैं. जैसे हमारे आचार्यों में भक्ति विनोद ठाकुर, जो प्रभुपाद के गुरु के जो पिता भक्ति विनोद ठाकुर है, वो एक चीज में नहीं, वो हर चीज में दक्ष थे. अपने परिवार का ध्यान रखने में दक्ष, अपने टाइम मैनेजमेंट में दक्ष, अपने कमिटमेंट में दक्ष, मॉरल कोड में दक्ष, अपने कार्य में जज के जो कार्य करते थे उसमें दक्ष, की इतने दक्ष कि वो केसेस को इतना जल्दी खत्म कर देते कि अमेरिकन सॉरी जो जो हम जब वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिशर्स ने उनके लिए एक डायरेक्ट उनके घर से कोर्ट रूम तक एक ट्रेन लाइन बनाई थी, स्पेशल ट्रेन लाइन जस्ट फॉर हिम, ताकि इनका, ये इतने दक्ष हैं, इनकी रिस्पेक्ट की जाए इनके समय की, ताकि ये और अच्छे से कार्य कर पाए और ये बाकी चीजों में भी ध्यान लगा पाए. वो ट्रेन की लाइन अभी भी है वहां पर मायापुर की तरफ, गंगा के पास. तो ये दक्ष बनने से भी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है. जैसे हम सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं या हम कोई भी इंडस्ट्री में भी देखते हैं, कोई लोग धीरे धीरे आफ्टर काफी सारा काम करने के बाद में वो SME बनने लगते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट.
तो उस वो फिर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर लोगों को उससे हेल्प करते हैं, तो उससे भी यू आर एबल टू अर्न रिस्पेक्ट। तो ये एक आपको समझना है। नंबर 10, लास्टली, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी एंड सिचुएशनल मेच्योरिटी। इमोशनल मेच्योरिटी हम बात कर चुके हैं, लेकिन कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना, क्या डिसीजंस लेना, उसकी भी एक मेच्योरिटी होती है, उसे सिचुएशनल मेच्योरिटी कहते हैं। वो तभी आ सकती है जब आप बाकी 9 चीजें अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने मॉरल कोड में स्थित हैं, आप में कंसिस्टेंसी है, आप हेल्प करने सेवा भाव के हिसाब से आ रहे हैं, नॉट थ्रू सेल्फिशनेस। आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बाउंड्रीज सही हैं। और प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना, वो सब भी स्किल्स डेवलप करना, और टॉलरेंट रहना, बिकॉज हर सिचुएशन में ऊपर नीचे होने वाला है, आपका ये बाय डिजाइन है। जीवन में उतार चढ़ाव आने वाले हैं, हर सिचुएशन में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। उस उतार चढ़ाव को अगर हम टॉलरेट करके, अपने माइंड को कूल एंड कंपोज करके, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस पे कैसे फोकस करें विनम्रता के साथ। कई बार हम विनम्र नहीं रहते हैं ना, तो हम कई चीजें सीख नहीं पाते हैं सिचुएशन से। सिचुएशन में कई सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे आइडियाज दे रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं। गुड लीडर सबकी बात सुनते हैं अच्छे से, क्योंकि सबके मत में दम होता है। तो वो एक ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस, और ये बाकी 9 पॉइंट फॉलो करके, और अपने प्रोज एंड कॉन्स और अपने धर्म के हिसाब से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, जब हम वो सीख जाते हैं, तब हम दे आर एबल टू अर्न रिस्पेक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल दूंगी, आई नो इट, ये मंडेन एग्जाम्पल्स है, लेकिन हमें आजकल की लाइफ में ये समझ में आते हैं ज्यादा, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, उनकी जो सिचुएशनल मेचोरिटी है, चाहे वो DRS हो, चाहे वो बॉलर को कैसे बॉल डालनी है वो बताना, कैसे सिचुएशन मैनेज करना, कैसे रनआउट्स मैनेज करना, कैसे देखना कि अच्छा ये बैट्समैन अभी कैसे प्ले कर रहा है, तो नेक्स्ट भी ये कैसे प्ले करेगा, उस हिसाब से बॉलर को एडवाइस करना कि ऐसी बॉल डालो, दैट इज सिचुएशनल मेच्योरिटी। एंड उसके कारण कितनी रिस्पेक्ट है उनकी इंडियन टीम में। तो हमें भी ये चीजें डेवलप करनी है। तो अब हम थोड़ी सी समरी लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट अदर्स, बाउंड्री सेट करना है, अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना है, और नीडीनेस में नहीं रहना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नहीं, हम मैं सेल्फ सफिशियंट हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। रिस्पॉन्सिबल जीवन, ड्यूटीफुल जीवन जीना है, कंसिस्टेंसी रखनी है टाइम की प्रोमिसज में और अपने कार्य में स्टेडीनेस, सर्विस एटीट्यूड, कैसे दूसरों की हेल्प करें, मॉरल कोड, धर्म, ये फॉलो करने से भी एक कैरेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ आती है, विच जो लोगों को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सपर्टीज। और ये मैं आपको कहूंगी, मॉरल कोड भी, आप पाश्चात्य देशों में भी जाइए जहाँ पे सर्वगुण संपन्न है, सब जगह पे सब कुछ होते रहता है, लेकिन जो मॉरल कोड अच्छे से फॉलो करता है, उनकी एक अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहती है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इवन इन दैट कम्युनिटी। एक्सपर्टीज, दक्षता, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी एंड सिचुएशनल मेच्योरिटी। तो स्पिरिचुअल, लेकिन ये सब चीजें हमें एक स्पिरिचुअल कंसेप्शन से करना है, कि एक्चुअली इंटरनली वी डोंट हैव अ नीड फॉर रिस्पेक्ट, बट एक्सटर्नली, ताकि सांसारिक व्यवहार हमारे बराबर चलते रहे, उसके लिए हम ये सब चीजें करते हैं। तो अब, और ये स्पिरिचुअल कंसेप्शन से ऐड करना है, कि अंदर से मुझे क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज ये सब भारी है, और ये सब मैं भगवान के अपने साथ में जो मेरा कनेक्शन है उसमें ही मैं बहुत खुश हूँ, कि भगवान जो मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरा इतना ध्यान देते हैं, और उस कनेक्शन से जो मैं खुद का आत्मसम्मान वगैरह करती हूँ, आई एम हैप्पी इन दैट। तो बाहर से नहीं मिले कोई बात नहीं, बट इंटरनली मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, बट यस, सांसारिक व्यवहार के लिए मैं ये सब चीजें इस्टेब्लिश कर रही हूँ। तो ये कंसेप्शन होना बहुत जरूरी है। अब हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और आपके क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपके कमेंट्स भी देखेंगे, और अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड विल बी बैक। चेक, कहा है कि इस संसार में गीता से बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही इससे बढ़कर कुछ देने के लिए है। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर दान देना सर्वाधिक पुण्यों को जन्म देता है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र विनती है कि कृपया अपने जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ पर साक्षात भगवान की वाणी गीता दान करें
और अपना तथा पाने वाले का जीवन धन्य करें। इसके लिए या तो आप हमसे गीता प्राप्त करके अपने पड़ोसियों, मित्रों या सगे संबंधियों को अपने हाथों से गीता भेंट कर सकते हैं, या हम आपकी ओर से डाक द्वारा उन तक पहुंचा सकते हैं। इन विशेष दिनों पर यदि आप गीता दान करते हैं तो हम आपके लिए भगवान की सुबह और शाम की आरती में विशेष मंगल कामना और प्रार्थना भी करेंगे। दोनों ही स्थिति में कृपया आज ही हमसे संपर्क करें 7506-977-977 पर। हरे कृष्णा। वेलकम बैक। अब हम लेंगे आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स। सो मैं टेक टीम क्वेश्चंस लाएंगी स्क्रीन पर। ओके, बीना माथुर जी, आपके मोटिवेशनल पॉइंट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। लास्ट टाइम आपने मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए थे, मैंने वैसे ही फॉलो किए। विद इन वीक आई एम फीलिंग वेरी नाइस। हरे कृष्णा, थैंक यू। लास्ट टाइम हमारा शो था कार्मिक रिलेशनशिप से कैसे निपटे, तो अगर आपने मिस किया है तो आप जा सकते हैं। शो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ पे सारे जो शोज आज तक हुए वहाँ उनका लिंक है। थैंक यू वेरी मच बीना माथुर जी, आप हमेशा रहते हैं। थैंक यू हमेशा बने रहने के लिए और आपके अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू। वृत्ति शर्मा जी भी हमारे रेगुलर रहते हैं हमेशा। थैंक यू वृत्ति जी फॉर बीइंग अ रेगुलर पर्सन ऑन द शो। सब साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। समटाइम्स प्लीज डोंट रियली हैव द इंटेंशन, पीपल डोंट रियली हैव द इंटेंशंस टू डिसरिस्पेक्ट यू, बट देयर एक्शन सीम्स डिसरिस्पेक्टफुल। हाउ टू डील विद दिस? ऑलरेडी आपने डील कर लिया है कि उनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन उनके पास में स्किल नहीं है बिहेवियर की, कैसे बिहेव करना। तो हमें जैसे कोई गाना होता है ना, हम गाना तो सुनते, गाने में वर्ड्स होते हैं और म्यूजिक भी रहता है, तो वी हैव टू लर्न हाउ टू हियर द म्यूजिक बिहाइंड द वर्ड्स। तो उनका अगर बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल है बट उनका इंटेंशन नहीं है, तो मतलब उनके पास में या तो स्किल्स नहीं है या इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, जो भी है। तो उस सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा पंगा लेना है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इनके साथ बार बार इंटरेक्शन होगा, तो यू कैन टेल देम कि मुझे आपका इंटेंशन समझ में आ रहा है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप इस बात को ऐसे प्रेजेंट करें तो मुझे और अच्छा लगेगा। आप अपनी नीड एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि दे नो दे कैन लर्न, बट अगेन वो सिर्फ चीज़ें उन्हें बोली जाती है जो आपकी बात सुनेंगे, जो ओपन टू लर्निंग वगैरह है। और कई चीज़ों में हम जस्ट देखते हैं कि अच्छा इनका इंटेंशन ये है, चलो लेट्स वर्क ऑन इट, और फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो इफ इट इज अ टीचेबल मोमेंट, अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट है या पीयर है जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं, जो बड़े हैं आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं आप कि इट बी नाइस इफ यू कैन प्रेजेंट दिस पॉइंट लाइक दैट। यस, थैंक यू वृत्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑल्सो देर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एरोगेंस, हाउ टू डील विद दैट? सेल्फ रिस्पेक्ट और selfishness या arrogance, self respect is coming, ये इस जगह से आ रहा है कि मेरा जीवन में एक गोल है, मेरे जीवन में मुझे कुछ करना है, उसके लिए मैं उसमें focused रहना चाहती हूँ। एंड एज अ ह्यूमन बींग, वेदर आई हैव अ गोल ऑल्सो और नॉट, देयर आर सम बेसिक्स दैट सम मुझे रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट दोज नीड्स ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट। एरोगेंस इज मैं बेस्ट हूँ, सबको मेरे सामने झुकना चाहिए, सबको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, मेरी ही नीड्स और फीलिंग्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन खुद की भी रिस्पेक्ट करता है, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है, वो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता है, एरोगेंट पर्सन डिमांड करता है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन अपना ध्यान रखता है, समझता है कि मुझे अपना ध्यान खुद करना है, एरोगेंट पर्सन एक्सपेक्ट्स दैट द एंटायर वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड देम। सो आप ये कुछ ट्रेट्स देखिए कौन से हैं, कहाँ हैं और किन पे आपको वर्क करना है। मेरे कुछ हफ्तों पहले एक इंस्टाग्राम पे एक मैंने एंड ऑल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस, उसमें जो पॉइंट्स है ये सिमिलरली यहाँ पर भी होते हैं। तो
बट द की डिफरेंस इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन है, वो खुद की भी रिस्पेक्ट करता है, दूसरों की भी करता है. एरोगेंट पर्सन ओनली वॉन्ट्स प्रायोरिटी फॉर देमसेल्व्स एंड वो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें जो चाहिए वो मिले, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. तो दे वेरी एम्प्टी पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विशाल हिरनंदानी जी, हरे कृष्णा. माय पास्ट डज नॉट अलाउ माय फैमिली एंड क्लोज एसोसिएट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम मी. ओके, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग दो आई सी देम सफरिंग. प्लीज गाइड मी हाउ टू इम्प्रूव माय सेल्फ सो दैट इट इज हेल्पफुल. ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है. आपका जो भी पास्ट है, फर्स्ट यू मेक पीस विद दैट कि ठीक है मेरे से गलती हुई, मुझे जो उस समय जितनी समझ थी मैंने वैसा किया, अब मैं ज़्यादा समझदार हो गया हूँ तो अब मैं अच्छे से कार्य करूँगा. और प्रचार तभी कर पाते हैं, दो चीज़ें होती हैं कि एक तो हम जो हमारी बातें हैं हम कंसिस्टेंसी जो 10 पॉइंट्स है वो खुद फॉलो करें, और दूसरा जब दूसरे भी उस चीज़ के लिए उनकी नीड हो, उनकी ज़रूरत हो. अगर उन्हें वो ज़रूरत नहीं महसूस होती है, चाहे उनके सामने कितना भी रिस्पेक्टेबल इंसान आ जाए, वो उसकी नहीं सुनेंगे बिकॉज उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए लाइफ में. तो हम उनको बाय नॉलेज और ये वो उनको कुछ समझाना चाहते हैं, दे डोंट वांट इट. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए. आई पर्सनली मैं नहीं प्रीच करती हूँ, मैं सोचती हूँ दे हैव अ फ्री विल और उन्हें जैसे रहना है वैसे रहें. बट मेरा रिलेशनशिप इन इंसानों के साथ स्ट्रांग रहना चाहिए बिकॉज मेरे लिए मेरा इनके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं मेरे रिलेशनशिप पे फोकस करती हूँ. अगर उन्हें कोई बात सुननी है तो वी शेयर, अगर उन्हें नहीं सुननी है तो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट देम. तो उन्हें और उनके लिए हम प्रार्थना हमेशा कर सकते हैं. तो दिस इज माय मैं इस सिचुएशन को वैसे हैंडल करूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. गीता वरदराजन, to go to somebody house every day the elderly people wants it but the goer doesn't like to go, is it right or wrong, please suggest. क्या होता है जो बड़े होते हैं ना वो बहुत अकेला फील करते हैं और वो काफी वल्नरेबल भी फील करते हैं उनके हेल्थ से इससे उससे. तो उनकी जो साइकोलॉजी उस टाइम पे होती है वो बड़ी अलग टाइप की होती है, हो जाती है. दे आर नीडिंग मोर सपोर्ट एट दैट टाइम. जो जैसे वो उनका शरीर चलता था, जैसे वो कार्य कर पाते थे वगैरह, वो नहीं कर पाते हैं. और जो छोटे होते हैं वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अपना नाम बना रहे होते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने ड्यूटीज वगैरह के साथ डील कर रहे होते हैं. सो बोथ आर राइट. एल्डरली पर्सन जो वेट कर रहे हैं कि कोई आए साथ में बैठे बातचीत करे, दे आर ऑल्सो राइट. और जो छोटे हैं जो नहीं जा पाते हैं रोज, दे आर ऑल्सो राइट. लेकिन जो हमारा कल्चर है भारतीय, अभी जैसे हमारी बिल्डिंग में भी एक लेडी है जो बचपन में मुझे मतलब बहुत उनसे प्रेम मिला है, शी इज़ नाउ एल्डरली. लेकिन मैं सोचती हूँ मुझे उन्हें रोज़ जाके मिलना चाहिए, 2-3 मिनट एटलीस्ट हेलो बोल के आना चाहिए. वो अकेले रहती हैं लेकिन मैं मेरे टाइम में जब मैं फ्री होती हूँ वो उनका रेस्ट टाइम हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो मैं भी उसको एक बराबर प्रायोरिटी देके कर नहीं पा रही हूँ. तो दिस क्वेश्चन विल इंस्पायर मी टू डू समथिंग अबाउट इट. तो ये क्या दोनों राइट हैं? अभी क्या है कि आप अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है भाई रोज नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक तो मैं मिल सकते हैं, कुछ बेयर मिनिमम में क्या कर सकते हो. एटलीस्ट आई शुड डू दैट, आई वांट टू डू दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन. बड़ों के पास जाते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, हृदय से उनका आशीष आता है, चाहे वो बड़े कटाक्ष बातें बोल रहे हो लेकिन उनको एक जो रिलीफ मिलता है एक किसी को देख कर, उसका एक आशीर्वाद जरूर मिलता है. तो आप ट्राई कीजिए जितना आप कर सकते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. रचना रीचा शर्मा जी, काश आप मुझे पहले मिली होती. लव यू नमिता मैम, लव यू रीचा जी, काश आप भी मुझे पहले मिले होते. सेल्फ डीलिंग इज बेस्ट डीलिंग, द पॉइंट यू गिव इज रियली इजी टू इंप्लीमेंट बट क्वाइट इफेक्टिव, आई होप इट विल हेल्प माई सेल्फ. थैंक यू. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, सेल्फ डीलिंग इज बेस्ट डीलिंग, आपने बहुत अच्छे से कहा है. विश यू ऑल द बेस्ट रीचा जी एंड थैंक यू, आपने इतना अच्छा कॉमेंट भेजा उसके लिए, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वाति सिन्हा जी, जब आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पर ना मिले तो कैसे हैंडल करें? सबसे इंटरनल, पहले इंटरनली कैसे हैंडल करें वो देखना है. इंटरनली पहले ये देखना है कि
मुझे किसी से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, आई डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, मैं एंटाइटलमेंट नहीं है कि मेरे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरे में इतनी कोई मानता नहीं है कि मुझे कोई भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मुझे किसी पे बर्डन नहीं बनना है कि उसको मैं सामने पढ़ूँ तो उसको लगे कि उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन लाइक दैट ऑन पीपल। बट हाँ, सांसारिक व्यवहार में जब वो एक बेसिक कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट नहीं होता है, वी कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट किसी से, हम नहीं कह सकते तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम मेरी इज्जत नहीं करते, वो वी हैव टू कमांड रिस्पेक्ट। तो इसलिए हमने आज 10 पॉइंट शेयर करे कि हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल। तो पहले आप वो 10 पॉइंट्स अच्छे से फॉलो कीजिए, उनको लाइफ में उतारिए, उनको ये सब चीज़ों में अपने आप में चेंज आने में भी 1-2 साल लगते हैं, तो बाद में लोगों में चेंज आने में, लोगों का नजरिया हमारे प्रति बदलने में भी और 1-2 साल लग जाते हैं। तो फर्स्ट फोकस ऑन, सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन दैट, इंटरनली आई डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी, एक्सटर्नली यस सांसारिक व्यवहार के लिए चाहिए होता है, तो लेकिन पहले लेट मी अर्न रिस्पेक्ट। और जहाँ से अगर कोई जैसे रिस्पेक्टेबल वे में नहीं बात कर रहा है, जैसे मैंने बिजनेस के बारे में बात किया या मोटिवेशनल स्पीकिंग के बारे में बात किया, ये किया वो किया, देन यू हैव एवरी राइट टू विड्रॉ उस सिचुएशन से। आप अपना एंगेजमेंट कम कर सकते हैं, आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं वाइल बींग रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तृप्ति, मेरी फैमिली में रिस्पेक्ट ब्यूटिफुल लोगों को मिलता है, आई नो ऐसा कई जगहों पर होता है, मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया जाया है, ऐसे में क्या करना चाहिए? तृप्ति जी, वेरी सॉरी टू हियर दैट। आई नो कई जगहों पे बहुत एक्सटर्नल्स को ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, और जब वो चीज़ों में हम खड़े नहीं उतरते जो उनके रूल्स रहते हैं, तो वो हमें बड़े गलत वे में ट्रीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है तृप्ति जी, ऐसे लोगों का एक तो सबसे पहले कि डू वी वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम सच पीपल, सेकेंड इज ऐसा रिस्पेक्ट हमें चाहिए क्या जो एक्सटर्नल हमारे बाहरी यू नो उसके लिए हो। तो पहले इसलिए पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कहा 10 टिप्स में, फर्स्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। भगवान ये नहीं देखता है कि आपकी ब्यूटी दीपिका पाडुकोन जैसी है या आलिया भट्ट जैसी है या आई डोंट नो कौन कौन हीरोइन है लेटेस्ट जो आप लोग फॉलो करते हैं, जैकलिन फर्नांडिस है या आई डोंट नो हु द लेटेस्ट इज, है ना। तो भगवान आपको अनलिमिटेड प्रेम करते हैं तृप्ति जी, वेदर वी आर ब्यूटिफुल और नॉट, ये पहले हमें समझ लेना है कि भगवान हमसे अनलिमिटेड प्रेम करते हैं। और ये जो ब्यूटी है ना, ये शरीर के साथ है, ये टेम्प्ररी है, ये आज है, ये आज नहीं है, भगवान हमारी आत्मा से है क्योंकि हम उनके अंश हैं, ही हैज अनलिमिटेड लव फॉर अस। तो भगवान का नाम लेके, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ के, भगवान का और समझ के, हम भगवान के साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि आई एम अनकंडीशनली लवेबल एंड रिस्पेक्टेबल, वेदर आई लुक ब्यूटिफुल बाय देयर स्टैंडर्ड्स और नॉट, सबसे पहले ये। सेकेंड थिंग इज अपने आप की रिस्पेक्ट करना, सो वॉट अगर मैं उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैसे नहीं दिखती हूँ, मैं फिर भी एक ऑनरेबल पर्सन हूँ, मेरी नीड्स के, मेरे जीवन की एक वैल्यू। आई नो व्हेन आई ग्रो अप थिंकिंग दैट ओनली ब्यूटीफुल पीपल हैव वैल्यू, उनसे ही बात होती है, उनसे ही सब कुछ होता है, जो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते हैं उनसे ज़्यादा लोग बात नहीं करते, उनके कोई वैल्यूज़ नहीं होते। बट मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जैसे मैंने और दुनिया में देखा, तो ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया वैसी ही है जैसे वो लोग हैं, और भी लोग होते हैं दुनिया में जो आपकी वैल्यू करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो ट्राई टू मेक मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विद अदर्स, राइट। तो आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, पहले भगवान का जो आपके प्रति अनकंडीशनल प्रेम है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट एंड ऑनर कीजिए, थर्ड थिंग इज ऐसे लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन बनाइए जो इन एक्सटर्नल चीज़ों पे इतना फोकस नहीं रहते हैं, एंड फोर्थली आपको एक एक्सटर्नल टिप भी देती हूँ, आजकल ये ग्रूमिंग वूमिंग इतना होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से इफ वी ग्रूम आर सेल्स वेल एंड वी इंटरनली जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर ब्यूटी के स्टैंडर्ड से हम ब्यूटीफुल नहीं रहे, बट अगर हमने थोड़ी सी ग्रूमिंग कर ली और थोड़ा हमारा इंटरनल कॉन्फिडेंस हाई है बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और दक्षता, एक्सपर्टीज इन एटलीस्ट 1 मैटर इन आर लाइफ, तो कॉन्फिडेंट पर्सन विथ अ गुड पर्सनैलिटी नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट हो जाती है। सो यू हैव 4 पॉइंट्स टू फॉलो, बताते रहना अगले शो में नेक्स्ट कि कैसा आपका चल रहा है। जैसे कमेंट्स आते हैं ना कि लोगों ने पॉइंट्स फॉलो किए एंड दिस इज हेल्पिंग देम, तो मुझे नेक्स्ट शो में बताना कि कैसा आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आकाश बगल जी, हाउ टू ट्रीट माइंड फॉर रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल
I don't think I understand the question. How to treat mind for respect for those people who didn't get respect previously? How to start respecting? I don't understand the question. Akashji, can you please send your question again? Next question. अर्चना सलुमके जी, घर में बड़ा बेटा हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, पर माँ पिता हमेशा छोटे बेटे और बहू को पैम्पर करते हैं और बड़े को ताने मारते हैं, यहाँ तक कि उसकी मैरिड लाइफ भी स्पॉइल करते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन अर्चना सलुमके जी? आई एम गेसिंग कि आपको लग रहा है कि आप शायद बड़े बेटे की वाइफ हो और आपको ये थोड़ा गलत लग रहा है. तो ये ना हमें जैसे वन थिंग इज कि ये जैसे हम एक चीज हमें समझनी है कि दुनिया का एक दस्तूर होता है, जो काम करते हैं लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेम नहीं दिखाते हैं, जो नहीं करते हैं मतलब प्रेम दिखाते हैं लेकिन ज्यादा प्रेम उसको दिखाया जाता है जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी प्रॉब्लम क्रिएशन करने की पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए उनको प्रेम दिखाया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें. तो ये एक उसूल होता है, लोग ऐसे नेचुरली ऐसे बिहेव करते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. और जो काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं लोग, उनको दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो करेंगे ही. तो इसमें एक चीज हमें क्लैरिटी लानी है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं. देखिए, हमसे कोई जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कुछ भी नहीं करवा सकता है. वी आर मेकिंग दैट चॉइस कि हमें ये ऐसे रहना है. तो हम ऐसे क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारी चॉइस है. हमें बाहर से कुछ मिले या नहीं मिले, ये मेरी चॉइस है कि मुझे एक इंटेग्रिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रहना है. और जैसा मैंने, जब मैंने अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, मैंने उस समय भी कहा था उस स्लाइड में, अभी फिर से कह रही हूँ कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करते हैं. और अगर जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करते हैं, तब कुछ लोग वो रिस्पेक्ट कर पाएंगे और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स ओके, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं मेरी लाइफ एथिकली जीना चाहती हूँ. अब हम रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं, लेकिन सब में कैपेसिटी नहीं होती है रिस्पेक्ट देने की. उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी साइकोलॉजी, उनकी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उनके सोशल बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग, सांसारिक व्यवहार की अंडरस्टैंडिंग, उनकी खुद की इमोशनल सिचुएशनल मेच्योरिटी उतनी डेवलप नहीं होती है. तो अगर हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उतने अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है अपने माइंड में, कि वो रिस्पेक्ट करें हमें, देन वो हमारी बेवकूफ़ी है टू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम सच पीपल. तो ऐसी सिचुएशन में आप मेरे क्लियर रहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे मेरी ड्यूटी करनी है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीनी है, मुझे एक धार्मिक लाइफ जीनी है, एंड मैं अपनी खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज आई एम लिविंग सच अ लाइफ. दूसरे समझे बहुत अच्छा, नहीं समझे कोई बात नहीं, बट मैं मेरी नजरों में मुझे अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखनी है. एंड इवन इफ दे कैन नॉट रिस्पेक्ट, देयर विल बी लॉट ऑफ अदर पीपल हु विल रिस्पेक्ट यू. सो विश यू ऑल द बेस्ट अर्चना सलुमके जी. एक प्रॉब्लम सबको, बहुत लोगों को आती है, तो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. शिल्पा सिन्हा जी, हाउ टू हैंडल इफ फैमिली ऑलवेज इंसल्ट ड्यू टू दे डिडंट गेट डाउरी इन मैरिज एंड डिडंट गेट सेटिस्फैक्ट्री? कि अगर वो बार बार आपको इंसल्ट कर रहे हैं, अरे आप दहेज में नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये बहुत पीड़ाजनक है कि जो रिलेशनशिप की जो करेंसी है वो पैसों के तोलमोल और डाउरी के तोलमोल पे है. सेवा भाव, ड्यूटी और एक नेचुरल रिलेशनशिप का जो प्रेम होता है उस पे बेस्ड नहीं है. तो ये पीड़ा होती है और ये पीड़ा रियल है. तो आप अपने आपका इमोशनली ध्यान रखिए और अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे दूसरे रिश्ते बनाइए जिसमें वेर यू फील लव्ड एंड चेरिश्ड. अब रही बात हाउ टू डील विद द सिचुएशन, क्या होता है ये, आप थोड़ा ये टॉक्सिक पर्सनालिटीज वाले, मैंने काफी सारे शोज किए, मैं नहीं कह रही हूँ आपके परिवार वाले टॉक्सिक, उसमें से आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेगी कि कुछ लोगों की कैसी कैसी साइकोलॉजी रहती है. अलग अलग लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट रहता है. जैसे मैंने स्लाइड्स में बताया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. कई लोग की जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ अन्नमय कोश में ही रह जाती है. दे हैव ऑल द फाइव लेयर्स, बट उनका लेवल उतना ही है कि मुझे क्या चीज़ मिली, मुझे मैंने क्या खाना खाया, क्या मैंने सोया अच्छे से, क्या मैंने खाया अच्छे से, एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल, एम आई दिस, दे आर जस्ट स्टक विद द बॉडी एंड थिंग्स. सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है जो सोचते हैं कि नहीं, मेरी भी नीड्स है, दूसरों की भी नीड्स है, मुझे सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है. मेंटल लेवल तक जो डेवलप हुए हैं
वो ये भी देखते हैं कि नहीं मेरे इमोशंस और फीलिंग्स और नीड्स है, मुझे उनका ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है। तो कई लोगों की कॉन्शियसनेस ही अन्नमय कोष तक रहती है कि इट इज ऑल अबाउट थिंग्स, तुम क्या लाए, क्या दिए, क्या नहीं दिए, किस उसने शादी में कितना दिया, उसने क्या दिया, गाड़ी दी, गहना दिया, इतना तोला सोना दिया वगैरह, यू नो ये सब काफी डिस्कशन होते हैं। वो लोग की कॉन्शियसनेस ऊपर उठना मुश्किल होता है अनलेस वो डिसाइड करे कि उन्होंने उठाना है। तो अगर हम मन में उनसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम ओखली में सिर दे रहे हैं, बिकॉज उनको उतनी सेंस ही नहीं है कि ये चीजों के ऊपर भी कुछ चीज होती है। तो जितना आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है उनका नहीं होता है। तो जब हम मिसमैच्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम। तो इसलिए आप अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, जो आपको हर्ट फीलिंग्स है या लोनलीनेस फील होता होगा उस परिवार में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स बनाइए और ये समझिए कि इनकी इतनी ही बुद्धि है, इनकी इतनी ही समझ है, इससे ऊपर इनकी समझ नहीं है। तो इनसे एक्सपेक्ट करके अपने आप को अच्छा फील कराना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे अपनी खुशी के लिए लेट मी फाइंड अदर प्लेसेस वेर आई कैन बी हैप्पी, अदर थिंग्स वेर आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी एंड बी हैप्पी। इनसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी डेवलप्ड है। यस, सो ये ट्राई कीजिए और अगले हफ्ते बताइए कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लवली शर्मा जी, बट मैम रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट लव ऑल्सो ना, नॉट अबाउट रिस्पेक्ट ओनली। या बट रिस्पेक्ट एंड लव गो टूगेदर। I mean, if a person can't stand by my side when I'm not okay, then what's the benefit of relationships? Basically, they don't respect your needs. They don't respect you as a human being. They don't respect you as a person. So, ये अभी आपका specific situation क्या है? आपके दो line के comment में ये मुझे समझना मुश्किल है। इसलिए हम show में principles share करते हैं, जो आप principles life में apply कर सकते हैं। One principle of life is relationships will be frustrating. Mostly by design, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में वो जो इनके इनलॉज हैं, उनको उतनी समझ और कैपेसिटी नहीं है कि डाउरी के सिवाय भी कुछ चीजें होती है। एक बहू घर में आती है, लक्ष्मी आती है, घर को आगे बढ़ाती है, स्त्री है, शक्ति है, परिवार को एक साथ बांध के रखती है। उनकी वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं है। सिमिलरली हर रिलेशनशिप में कोई भी इंसान आपकी सारी नीड्स का ध्यान नहीं रख पाएगा। वो कुछ चीज में अच्छा होगा, कुछ चीज में अच्छा नहीं होगा। सब लोग लिमिटेड है अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने लाइफ में, बिकॉज सब लोग वो तीनों गुणों से मतलब वो है पीड़ित है ना, सत्व गुण, रजगुण, तमगुण, कोई भी गुणों से ऊपर उठा हुआ कम है। और कई बार अगर तो ये जो परफेक्ट रिलेशनशिप की जो खोज है वो नहीं होता है, वो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो देयर विल बी ऑलवेज बी सम फ्रस्ट्रेशन। इसलिए मेरे जो सारे शोज रहते हैं, जो आप वेंसडे को चर्चा करते हैं, वो ताकि आप स्ट्रॉन्ग कैसे रहें, आप सेल्फ सफिशिएंट कैसे रहें, आप सेल्फ एम्पावर्ड कैसे रहें, उस पर फोकस रहता है। तो पहले ये प्रिंसिपल समझ ले, फिर उस हिसाब से जब हम रिलेशनशिप्स को अप्रोच करते हैं विद सेल्फ लव, विद सेल्फ पार्टनरिंग, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सब में लिमिटेशंस होते हैं और कोई भी हमारे हिसाब से पूरा नहीं पढ़ पाता है, चाहे हमारा स्टैंडर्ड कितना ही लो हो। बिकॉज सब लोग की साइकोलॉजीज अलग अलग होती है, सब लोग की नीड्स अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए वो अलग अलग होता है, और उस हिसाब से वो लोग रिलेशनशिप में शो अप करते हैं। तो वो मिसमैच और फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहता है। परफेक्ट रिलेशनशिप जो हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाए, हमें पूरी तरह से समझे वगैरह, वो सिर्फ भगवान के साथ पॉसिबल है एंड टू सम एक्सटेंट विद आवर पेरेंट्स, जहां पर वो एक अनकंडीशनल लव है। सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पूजा कला जी, मैम आपकी बातों से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। पहले मैं बहुत अकेला फील करती थी, बट जब से आपने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया है, थैंक यू टू द टेक्निकल टीम जी फॉर पुटिंग दिस कॉमेंट After the previous question, answer, आपने खुद से प्यार करना सिखाया है तब मेरी लाइफ चेंज हो गई है। थैंक यू पूजा कला जी, इसमें एक पूरा श्रेय आपको जाता है कि आपने वो चीजें अप्लाई करी है। बहुत स्ट्रेंथ लगती है वो चीजें अप्लाई करने में, और आपने उनको प्रैक्टिस किया है और उससे आप अच्छा फील कर रहे हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और आपने जो इतना अच्छा कॉमेंट भेजा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
सुष्मिता बैश्य जी, माता जी मुझे मेरे हस्बैंड बहुत डाउट करते हैं, मैं क्या करूं? रिस्पेक्ट बहुत करते हैं बट कभी कभी मुझे डाउट करके खुद ही दुखी रहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर है सुष्मिता बैश्य जी, आपने बहुत अच्छा है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उनके मन में डाउट भी बहुत रहता है। कई बार क्या होता है कि कोई हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहा है वो हमारे कारण वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, वो अपने ही स्वभाव से परेशान है। तो आप देखेंगे कि उनका डाउटिंग नेचर होगा, उनको हर चीज में ट्रस्ट करना, कई अलग अलग चीजों में भी आप देखेंगे कि उनको ट्रस्ट करना, किसी को क्लोज रिलेशनशिप में ट्रस्ट करना मुश्किल होगा। क्या पता उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, क्या पता उन्होंने ऐसे इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए जिसमें लोगों ने कुछ प्रॉमिस किए या वैसे नहीं किया है, झूठ बोले हैं वगैरह वगैरह। तो कई बार हम कितने भी अच्छे हो जाए, कितने भी कंसिस्टेंट हो जाए, कितने भी अच्छे से करें, अगला इंसान हमें वो रिस्पेक्ट है या वो ट्रस्ट है वो दे नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनट्रस्टवर्दी हैं, अगर आप अनट्रस्टवर्दी हैं आप वर्क कीजिए उसके ऊपर, लेकिन वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उनके भी कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके कारण वो नहीं कर पाते हैं। सो ये समझ के अपने आप में कॉन्फिडेंट रह के अपने आप को कंटिन्यूसली एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बना के, जो हमने पॉइंट नंबर 6 शेयर किया था शायद, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस, स्टेडीनेस, वो सब आप अपना कंटिन्यू कीजिए। और अगर वो नहीं देख पाते कोई बात नहीं, उनके पास में अभी वो दृष्टि नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, और आगे भी समझे या ना समझे बट हम अपने आप में स्ट्रांग रह के अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देके आगे बढ़ते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। संगीता रे जी, टॉक्सिक लोड लोगों से बाउंड्रीज बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, कि कृपया इसमें और मदद करें। संगीता रे जी, मुश्किल आती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड, और काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है। इसलिए पहले हमें अपने आप को भी अंदर से कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग बनाना होता है, ताकि हम उस वो जो चीज़ें वो करते हैं, जैसे मैंने कुछ आई थिंक आई शेयर्ड 9 थिंग्स सिचुएशन, जैसे वो बिहेव करते हैं और कैसे कैसे हर सिचुएशन में हमें बाउंड्री बनानी है, जो परिवार के दुष्ट टॉक्सिक लोगों से कैसे बाउंड्री बनाए, दो तीन हफ्ते पहले शो हुआ था। तो उसमें बाउंड्रीज बनाने के लिए मैंने कहा था उस शो में कि वो लोग आपको कोई बहुत अच्छा फूल बरसाने वाला रिएक्शन नहीं देने वाले, वो लोग और ज़्यादा परेशान हो गए और ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ और अपना इनर कॉन्फिडेंस, अपने आप में जो फेथ और ट्रस्ट है, और अपने कैरेक्टर का डेवलपमेंट, ये सब चीजों में आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। तब आप वो जो उनका रिएक्शन होता है जब आप बाउंड्री सेट करते हैं, उससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए फर्स्ट अपने आप पे डेवलप कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रजत मिश्रा जी, इवन इफ यू डोंट हरे कृष्णा, इवन इफ यू डोंट वॉन्ट रिस्पेक्ट बट सम पीपल टेक इट एज अ वीकनेस टू डिसरिस्पेक्ट यू, हाउ टू काउंटर दिस? तो यही है ना कि एक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस नाम की चीज होती है, आपके जो वर्ड्स हैं, आप फर्मली बात कर रहे हैं। जैसे मैं आज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई कुड नॉट शेयर मेनी थिंग्स, लेकिन रजत जी आप ये रामायण का जो भाग है जिसमें जब राम भरत मिलाप होता है और रामचंद्र जी भरत जी को किंगडम के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो उसमें वो कई चीजें सिखाते हैं कि हाउ टू डील विथ सबॉर्डिनेट्स, कि कैसे आप सबॉर्डिनेट्स के साथ डील करें, कैसे आपको डिस्टेंस बनानी चाहिए, कैसे फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी बनानी है, कि बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टेंस, वो बाउंड्रीज, वो एक नपी तुली बातें वगैरह, वो सब काफ़ी कुछ बहुत डिटेल में डिस्क्राइब्ड है वहाँ पर भी, और विदुर नीति में भी, कि कैसे एक लीडर को लोगों के साथ डील करना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं हो और वो बराबर आपको रिस्पेक्ट करें, ताकि जो कार्य करने हैं वो बराबर हो पाए। तो प्लीज रीड दैट रजत मिश्रा जी। तो ये इसे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस भी कहते हैं, इसे सेटिंग वेरी फर्म बाउंड्रीज भी कहते हैं, खुद का कैरेक्टर स्ट्रांग करके भी रहना और ये सब से रहना और अपनी बाउंड्रीज सेट करना और उन्हें एक्सप्रेस करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट रजत जी, और ये रेफरेंसेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पूजा वर्मा, मेरा मैम एक क्वेश्चन है कि क्या सेल्फ क्रिटिसाइज्ड
ये सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ रिस्पेक्ट बनने में बाधा डालता है. सो सेल्फ क्रिटिसिज्म इज यूजुअली इट इज अ साइन ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव. तो मैं अपने आप को तभी प्रेम कर सकती हूँ जब मैं एकदम परफेक्ट हूँ, और अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करती रहूँगी. ये इनर डायलॉग रहता है कई बार हमारे, जिनके साथ हम रहे हैं वो उनका वैसा बर्ताव रहता है हमारे प्रति, खुद के प्रति. तो हमें लगता है विनम्रता ह्यूमिलिटी और ये सब का मतलब है कि खुद को क्रिटिसाइज करते रहो. नहीं, पहले हमें ये ऑनर करना है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. तो अगर हम इतने क्रिटिकल रहेंगे ना, हम अपनी रिस्पेक्ट कभी नहीं कर पाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी. तो यस, हमें सेल्फ लविंग रहना है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहना है. इसका मतलब ये नहीं है कि एरोगेंट होके अपनी गलतियों को सारे टाइम ढकते रहना. तो या तो लोग सेल्फ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर बोलते नहीं मैंने कुछ गलत ही नहीं किया. दोनों केस में अपनी गलतियों के साथ में रिलेशनशिप बहुत प्यारा नहीं है उनका. तो सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहते हुए, जानते हुए कि ये चीज़ों में मेरा बिहेवियर इतना अच्छा नहीं रहता है और मैं इस पर वर्क करूँगी, मैं ध्यान दूंगी और वर्क करूँगी, और हर टाइम फेल होंगी तब मैं उसमें से सीखूंगी कि मैं इस टाइम क्यों फेल हुई और नेक्स्ट टाइम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी, राइट. सो जो मिस्टेक्स के साथ में भी अच्छा रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप बनाना है और उनको ध्यान देते हुए उनसे धीरे धीरे उभरना है. विश यू ऑल द बेस्ट पूजा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुहासनी जी, हाउ कैन वी स्टॉप ट्राइंग टू हार्ड एंड स्टॉप सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम पीपल वी लाइक बाय फर्स्ट. सुहासनी जी, दिस इज कंसिस्टेंट क्वेश्चन. आप कुछ 6-7 महीने से शो पे बने हुए हैं, मैं देखती रहती हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाती हूँ, बट चैट में दिखता है मुझे, लाइव चैट में. ये आपको ही वर्क करना पड़ेगा थ्रू सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है टू बी एन एबल मेंबर ऑफ दिस वर्ल्ड. जैसी मैं हूँ मैं ठीक हूँ. भगवान मुझे जैसी मैं हूँ उससे भी भगवान को भगवान मुझसे पूरी तरह प्रेम करते हैं, असीम प्रेम करते हैं. तो ये अप्रूवल अगर चाहिए तो वहाँ से ढूंढिए और वो कनेक्ट कीजिए इंटेलेक्चुअली, और वो दीजिए अपने आप को अप्रूवल दीजिए अपनी. जैसे क्लाइंट के साथ मैंने एक एक्सरसाइज करी थी, उनको मैंने एक होमवर्क दिया था बिटवीन टू सेशंस, कि आप अपने लाइफ के बारे में जस्ट गो थ्रू वॉट एवर आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और देखिए कि कितने अच्छे से क्या क्या आपने चीज़ें हैंडल करी. जो चीज़ें आपने पॉजिटिवली हैंडल करी उन चीज़ों को ऑब्जर्व किए, जो जो चैलेंजेस को आपने संयम रख के हैंडल किया उन चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए. जो अपने आप को वैलिडेशन दीजिए, बिकॉज अगर आपकी नीड बाहर से वैलिडेशन की है वो कभी पूरी नहीं होने वाली और कभी नहीं मिलने वाली है. तो सुहासनी जी, काफ़ी समय से चल रहा है ये, यू हैव टू वर्क ऑन दिस. फर्स्ट कनेक्ट भगवान के साथ कि भगवान मेरे साथ इतना प्रेम करते हैं. सेल्फ लव पे आई गिवन 2 टॉक्स दे चुकी हूँ. रिश्तों में कैसे करें सुधार, दूसरों से प्रेम करने से पहले खुद से करें प्यार, ऐसा कुछ टाइटल था. सेल्फ लव वो थंबनेल का टाइटल था और सेल्फ लव है उसमें, ये सारी टिप्स शेयर की गई है. बट ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अपने आप सुन के तो नहीं होगा. तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. और नेक्स्ट 2 शोज में मुझे चाहिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मुझे वैसे चैट दिखना है आपका. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. शिवानी अग्रवाल जी, आपने माताजी सब ठीक से कहा है लेकिन ये टॉक्सिक पीपल पर लागू नहीं होता है, समझने का कोई रिजल्ट नहीं आता समझाने का. तो मैंने कभी नहीं कहा कि किसी को आपको समझाना है, ना टॉक्सिक को ना दूसरे लोगों को समझाने का. तो मैंने बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है उसमें भी नहीं कहा, ना कि कार्मिक रिलेशनशिप में कैसे रहे उसमें भी किसी को समझाने का. तो मैंने कभी आई नेवर टॉक अबाउट कि किसी को कुछ एक्सप्लेन कीजिए. आप एक बार अपनी नीड एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर उन्हें नहीं समझ में आता हो आपको डिटैच रह के आपको अपना ध्यान इतना अच्छे से रखना है कि अगर वो ध्यान दे या नहीं दे दैट डजंट मैटर, बस आप खुद के साथ में खड़े हुए हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्योंकि हम किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपना ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं. अपने आप को खुश रखना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, किसी और की नहीं है. मेरी फीलिंग्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जस्ट 1 मिनट. मुस्कान जी, इनकंसिस्टेंसी नो मैटर व्हाट आई ट्राई वेदर इट स्टेप बाय स्टेप और एस आई ऑलवेज फेल हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर टीचिंग्स आई एम हैप्पीली फॉलोइंग एवरीथिंग. थैंक यू मुस्कान.
कंसिस्टेंसी में कई बार हम आप देखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी में व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो पा रहा है, वो एनालिसिस आपको करना है. इज इट बिकॉज आप बोर हो जाते हैं? इज इट बिकॉज आपको इमोशनली घबराहट होती है? कई लोगों से नहीं हो पाती रिपीट वो इमोशंस, तो कौन से इमोशंस उठ रहे हैं? या आपके टाइम मैनेजमेंट में इशू है, या आपको आप वही चीज़ें करते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं या जिनमें आपका फ़ायदा होता है, या आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअली आपकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है, तो सारा टाइम आपका जो लाइफ में प्रायोरिटी चीज़ें हैं उनमें जाता है. तो ये एनालिसिस आपको करना है अपने माइंड का, अपने प्लानिंग का, अपने टाइम मैनेजमेंट का, अपने एटीट्यूड का, और उससे आपको समझ में आएगा कि हाउ टू बी मोर कंसिस्टेंट. मेरा एक मंत्र है, मैं जब कोई चीज़ में आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, मैं 10 चीज़ों में एक साथ इम्प्रूव होने की कोशिश नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है इतनी चीज़ें ट्रैक करने की. तो मैं आई ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, और उसको बराबर से लाइन पे लगा के सारी जो वीकनेसेस मेरे अंदर है उनको ओवरकम करते करते धीरे धीरे. हर टाइम फेल होते हैं, हमारी कोई वीकनेस सामने आती है, या तो हमारे प्लानिंग में, या हमारे एक्सपेक्टेशन में, या हमारी इंटरनल वीकनेस में. तो वो सब चीज़ों को धीरे धीरे हैंडल करके एक चीज़ को में दक्षता लाइए, फिर दूसरी चीज़ पे फोकस कीजिए. 10 चीज़ एक साथ नहीं कीजिए. यस, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल मुस्कान जी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हाउ टू डेवलप सेल्फ लव व्हेन वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स? अगेन, सेल्फ लव पे अगर आप आई थिंक इसी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है पूरी प्लेलिस्ट का, यही शो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे सारे शोज हैं सेल्फ लव के ऊपर उनका लिंक है, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो नीचे प्लेलिस्ट फॉर ऑल शोज है, उसमें आपको बहुत सारे सेल्फ लव के शोज मिल जाएंगे. तो डिटेल आंसर आपको वहां मिलेगा, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं. लेकिन अभी जैसे आपका जो प्रश्न है, हाउ टू डेवलप सेल्फ लव व्हेन वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स, व्हाई डोंट यू बिलीव इन योरसेल्फ, फर्स्ट आस्क दैट क्वेश्चन. क्यों, कि किन कारण से आप अपने आप को बिलीव नहीं करते हो? हम चाहे कितने भी कैसे भी गए बीते हो, हमने लाइफ में कुछ ना कुछ तो किसी ने भी अच्छा किया होगा, तो उस चीज को रिकग्नाइज कीजिए जो हमने अच्छा किया है, वहां से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि यस, मैं कुछ चीज कर पाई, मैं कुछ चीज अच्छे से कर पाई. जैसे जब शुरुआत में, जब 2007-2008 वगैरह में हम लोग विमेंस प्रोग्राम्स बहुत करते थे, सियाटल में शुरू किए थे, फिर एक हमने मंथली भक्ति आर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ हरिविलास महाराज. मैंने उनको, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा आइडिया दे रही थी कि नहीं प्रभु जी, यू नो, हमको वी शुड हैव अ हेल्पलाइन, यू नो, सब जो इतने तकलीफ में लोग होते हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, बिकॉज अमेरिका में सब अकेलापन वगैरह बहुत कुछ होता है. तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ऑलरेडी जब किसी की लाइफ में इतनी तकलीफ है और तुम उनके लिए हेल्पलाइन कर रहे हो, वो और वो जो तकलीफ है, प्रॉब्लम वाली बातें उनके बारे में ही फोकस करके बात कर रहे हैं, वो उनको उतनी हेल्प नहीं होगी, और हेल्पलाइंस दूसरी भी हैं, इससे अच्छा तुम कुछ ऐसा क्रिएटिव प्रोग्राम करो. तो उन्होंने एक क्रिएटिव प्रोग्राम हमें दिया भक्ति आर्ट्स की, जैसे गोपी सब, यू नो, 64 जो उनकी आर्ट्स है, उन कलाओं से हाउ दे सर्व कृष्णा. भी क्यों कह रही हूँ वो स्टोरी आपको समझ में आएगी, थोड़ा बने रहिए मेरे साथ में. तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोग्राम कीजिए. तो हम लोग ने क्या किया, जो कम्युनिटी में जो टैलेंट है जो लेडीज का, वो जो हर एक कोई ना कोई चीज़ में बहुत अच्छी होती है, कोई कुकिंग में है तो कोई आर्ट में है तो कोई कुछ में है, कोई एम्ब्रॉयडरी में है, कोई पेंटिंग में है, कोई स्पीकिंग में है, कोई सब किसी ना कभी कोई ना कोई स्किल होती है. तो हमने वो स्किल्स आइडेंटिफाई किए और हर मंथ का एक प्रोग्राम बनाया कि वो जो लेडी है वो हम बाकी लेडीज को शी विल टीच दैट स्किल. तो हमें उस प्रोग्राम में मैसिव रिस्पॉन्स आता था कि हमें रजिस्ट्रेशन बंद कर देना पड़ता था. और जो हमारा टारगेट ऑडियंस था, जो हमारा ऑडियंस था कि जो जो बहुत परेशान पीड़ित लेडीज हैं, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उनका आता था. तो उनका रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा आता था और वो उस प्रोग्राम से इतना खुश होके जाती थी, बिकॉज हम रियली मेक श्योर करते थे कि स्टेप वाइज वो कोई चीज़ उसी प्रोग्राम में क्रिएट करके जाएं. वो 2 घंटे के प्रोग्राम में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर जाएं या फिनिश्ड स्किल लेकर जाएं एकदम, यू नो, अच्छे से. तो उससे क्या होता था कि जो लाइफ में एक ब्रोकननेस है या जो उनका बिलीफ खत्म हो गया खुद में, बट बिकॉज उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट किया, कुछ बिल्ड किया, कोई चीज अच्छे से सीखी, तो उससे कॉन्फिडेंस आता था कि एटलीस्ट दे हैव क्रिएटेड समथिंग वंडरफुल इन देयर लाइफ. एटलीस्ट एक चीज में तो क्रिएट किया, उससे उनकी बाकी की लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होगा, बट एक कॉन्फिडेंस बढ़ता था. तो ऐसे आप भी
अपनी लाइफ का एक थोड़ा ब्यौरा लीजिए, देखिए कि किन चीजों में आपने कुछ अच्छे से किया है. लर्न हाउ टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, इवन इफ पीपल डोंट अप्रिशिएट, खुद को फीडबैक लीजिए. लेकिन कुछ चीज हमने सबने अच्छी की होती है, बिकॉज भगवान ने सबको स्किल्स दी हैं, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और उस स्किल में दक्षता लाइए. तो वो मैंने ऐसे ही वो दक्षता का पॉइंट नहीं डाला है वहां पे, वो बहुत डीप पॉइंट है जो 10 पॉइंट्स में. तो जब हम एक चीज में एक्सपर्टीज हमारा बढ़ता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने लगता है. और दूसरा एक बात जानिए, चाहे हम कितने भी बड़े फेलियर हो, भगवान ने हम में बहुत कुछ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. चाहे हम फेलिंग स्टॉक मार्केट में हमारा स्टॉक फेल हो रहा हो, लेकिन भगवान फिर भी हम में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर दक्षता नहीं हो पा रही है कोशिश करके भी, पहले तो कीजिए दक्षता. करने से आपको कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ेगा. अपनी दक्षता को नोटिस कीजिए और ये जानिए कि भगवान हम में पूरी तरह बिलीव करते हैं, बिकॉज भगवान के हम अंश है. तो ऐसा तो हम बेकार तो हो ही नहीं सकते. कृष्णा हैज गिवन अस सम वंडरफुल क्वालिटीज, बस हमें उनको टैप करके उन चीजों में आगे बढ़ना है. विश यू ऑल द बेस्ट. एक और एग्जाम्पल आपको कहना चाहूंगी, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोच बन रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी में, मतलब मेरे इंस्टीट्यूशन में, नॉट यूनिवर्सिटीज टू बिग अ वर्ड, छोटे से इंस्टीट्यूशन में. तो वो कहते रहिए हम आपके जैसे नहीं बन पाएंगे. तो मैंने बोला आपको मेरे जैसे नहीं बनना है, आपको अपने आप के जैसा कोच बनना है. आपकी कौन सी एरिया में आपका जीनियस जोन है, कौन सी चीज में आपकी दक्षता है, आप उस चीज में ग्रो कीजिए. ये कंपैरिजन, मैं उनके जैसे नहीं बन सकती हूँ, उनकी जो क्वालिटीज है मेरे में नहीं है. तो आपकी कौन सा आपका हुनर है उसको डेवलप कीजिए, आपका बिलीफ बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू लव योरसेल्फ. विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, थ्री मोर क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रीति, आईसीएससी बायोलॉजी, अगर आपको ट्यूशन चाहिए आप इनके पास चाहिए. हाउ टू हैंडल इफ योर पार्टनर गॉट कॉट चीटिंग ऑन यू थ्राइस. दैट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन प्रीति जी. बहुत पेनफुल है जब ऐसा आपके साथ होता है. जो वैवाहिक जीवन का जो एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट है, जो व्रत होते हैं उनका जब रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जो वाउज होते हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जो पर्सन होता है उनके प्रति जो एक रिश्ते का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो एक वाइफ के ओहदे का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जब वो नहीं दिया जाता है, तो जो सांसारिक व्यवहार है, जो वैवाहिक जीवन का जो व्यवहार है, वो पूरा करने में, उसके साथ डील करने में काफ़ी परेशानी होती है. तो पहले, सबसे पहले आप अपने इमोशंस को समझिए. जो भी फीलिंग्स मन में आ रही है उनको दबाइए मत, बस सहलाइए अपने आप को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को समझिए. कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा नेटवर्क बनाइए सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनको समझाइए. आई एम श्योर आप समझा चुके हैं. और आगे कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब चीज़ों पे दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन. बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि यस, इसके कारण जो पीड़ा होती है उसमें अपने आप को अकेला मत छोड़िए. गेट ऑल द हेल्प यू नीड, ऑल द इमोशनल सपोर्ट यू नीड, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मेरी पूरी सांत्वना आपके साथ है और मेरी सारी प्रार्थनाएं आपके साथ है. विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. एन के, योर वर्ड्स आर डिप्ड इन गोल्ड. थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, बट ऐसा कुछ नहीं है. ग्रेट डायरेक्शन, लव दाई सेल्फ, हर्ड ऑलवेज बट नाउ फॉलोइंग दिस एंड फीलिंग ग्रेट. जिंदगी की समझ अभी लगी. लव यू टू एन के जी. थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स. एंड मुझ में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बहुत समय दिया है मुझे, मेरे घर के बड़ों ने, मेरे माँ पिता ने, मेरे भाइयों ने, मेरे गुरुओं ने और मेरे फ्रेंड्स ने. तो वो जो सीखा है आई एम एबल टू शेयर. तो थैंक यू वेरी मच. इससे अगर आपके जीवन में खुशहाली आ रही है तो वेरी नाइस टू हियर दैट. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. रोहित चौधरी जी, आई वॉज डूइंग चैंटिंग ऑफरिंग विथ ऑल ट्रस्ट इन काना एंड स्टडीज ऑन टाइम, बट नाउ डेज एवरीथिंग हैज स्टॉप. डोंट फील एनी इंटरेस्ट टू इवन टॉक टू माई डियर वंस, फील वेरी लोनली, वॉट आई डू मैम. थैंक यू रोहित जी, आपने बहुत अच्छे से ये प्रेजेंट किया है. मुझे आपके रीजन नहीं पता आपको लोनली क्यों फील हो रहा है, लेकिन क्या होता है कई बार हम हमारे ड्यूटीज को बहुत अच्छे से करते हैं और वो करना भी चाहिए, उससे एक अच्छा कैरेक्टर स्ट्रेंथ हमारी बिल्ड होती है. लेकिन हम क्या हमारी नीड्स को, हमारे एस्पिरेशंस को हम निग्लेक्ट कर देते हैं वो ड्यूटीज में परफेक्ट होने के लिए.
और फिर उसके कारण हम अपना ही साथ छोड़ देते हैं। जैसे कोई फ्रेंड हमारे ऊपर ध्यान न दे तो कैसे हमें अकेलापन लगता है, वैसे ही जब हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, हमारी नीड्स का, एस्पिरेशंस का, फीलिंग्स का, गोल्स का, हमारे इंटरेस्ट्स का, तो उससे हम एक लोनली फील करने लग जाते हैं क्योंकि हमने अपना ही साथ छोड़ दिया होता है। तो ड्यूटीज कीजिए लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए कि मुझे अपने सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो जब हम अपना ध्यान रखने लगते हैं तब हमें अपने खुद का साथ वापस उसका आभास होता है, महसूस होता है, और उससे हम फिर एम्पावर्ड और हैप्पी फील करते हैं, हम अकेला नहीं फील करते हैं। तो जो अकेलापन है ज़्यादातर लोनलीनेस पे मैंने एक शो किया है बट मैं एक और करने की सोच रही हूँ मे बी इन अप्रैल, इज़ कई बार ये इसलिए अपना साथ बनाए रखें। अपना साथ छोड़ देने पर हमें बहुत लोनली फील होता है लेकिन अपना साथ बनाए रखें और भगवान का साथ फील करें। यस, आप चैंटिंग कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साथ भी कनेक्ट कीजिए और अपना साथ भी दीजिए और आप नेक्स्ट वीक मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। यस, आई थिंक दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन बट आई विल गो विद व्हाट एवर द टेक टीम सेज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गीता तचपुली जी, हमारे अबू धाबी के हमारे फ्रेंड हैं। एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड व्हाट वी थिंक अबाउट एट टाइम ऑफ डेथ डिसाइड्स आवर नेक्स्ट बर्थ एंड प्लेस। How to understand that we meet same people in this life based on our karma and exchanges with them? ये either or नहीं होता है गीता जी, कि जो आप सिर्फ मरने के समय सोच रहे हैं बस वही होता है। ये क्या है, ये गहनो कर्म ना गति, इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो वॉट यूर थिंकिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर आप उन रिश्तों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, शायद आपका ये क्वेश्चन है, फिर भी वो रिश्ते क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके साथ में कार्मिक एक्सचेंजेस बाकी हैं और क्योंकि उनके साथ में रिलेशनशिप कर्मा बाकी है, क्योंकि उनके साथ में कुछ आदान प्रदान बाकी है और कुछ लर्निंग्स लेसन्स बाकी हैं, कि कुछ आपके कार्मिक डेट्स एक्सचेंज करने हैं, कुछ कार्मिक लेसन्स आपको सीखने हैं और कुछ फॉरगिवनेस आपको सीख करनी है। तो आइदर और नहीं होता है कि मैंने मरते वक्त इनके बारे में नहीं सोचा तो अब ये लोग मेरे जीवन में क्यों आ गए, दोनों चीजें साथ में होती हैं। जितना मुझे आपका प्रश्न समझ में आया है, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस एंड देन वी विल क्लोज द शो। निराली जी, हरे कृष्णा मैम, अपने आप को इंटरनली खुद पर ट्रस्ट लेवल कैसे इंक्रीज करें? थैंक यू नमिता जी, आपके शो में से बहुत लर्न करती रहती हूँ, थैंक यू। और मैं भी आपके सबसे, आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अपने आप को इंटरनली खुद पर ट्रस्ट लेवल कैसे इंक्रीज करें? देखिए, कई बार ऐसे होता है कि लोगों ने हम पर ट्रस्ट नहीं किया होता है, लोगों ने अपने हम पर हमको कहा था तुम बेकार हो, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, क्लमजी, कुछ बराबर नहीं करते, तो हम वही चीज़ बिलीव करने लगते हैं। तो इसलिए पहले हम खुद ऐसे काम करें जिनको हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, बराबर अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। एक ही चीज़ पर ध्यान दीजिए, उसको बराबर कीजिए कि हाँ मैं कर रही हूँ बराबर, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। अनदर थिंग इज, जैसे हम जब बड़े होते, मुझे आपकी एज नहीं पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें हमारे अंदर वही पेरेंट्स का जो हमारे प्रति जैसे बोलना चलना था वही चालू रहता है, या जैसे हमारी टीचर्स बोलती रहती थी, जैसे बच्चे को हम सारे टाइम करेक्ट करते रहते हैं ना, बिकॉज हम उसको उसका हेल्प करना, उसको शेप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पेरेंट्स की, तो दे आर गाइडिंग यू। तो इसलिए जैसे जैसे मुझे लगता था खुद के बारे में कि वो आई वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, वो मैं ये ऐसे ऐसे करके आई वेस्ट सो मच टाइम। अराउंड लाइक 4 years अगो मैंने अपने आप को एक दिन बैठ के समझाया कि नहीं, आई डोंट वेस्ट एनी टाइम, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, और अगर थोड़ा सा अगर हो गया दैट इज़ बिकॉज मुझे चाहिए थोड़ा रिक्रिएशन एंड आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, और आई जस्ट नीड टू ब्राउज एंड रीड समथिंग, एंड उससे भी मैं कुछ सीखती रहती हूँ। सो इफ़ आई मैं अगर मेरी लाइफ देखूँ तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने देखा कि नहीं, मेरी एफिशिएंसी काफ़ी है, मैं बराबर टाइम को यूटिलाइज करती हूँ और ऐसे करती हूँ। तो ये इंटरनली ये जो पुराने हमारे विचार बोलने के तरीके होते हैं, अपने आप से बात करने के तरीके होते हैं, उनको हमको इवेल्युएट करना पड़ता है अपने जीवन के प्रूफ के साथ कि नहीं, एक्चुअली मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आई डू माई वर्क प्रॉपरली। तो ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे होगी, उससे मैं सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी, बट इन जनरल आई डू माई वर्क प्रॉपरली। तो ऐसे करके आपको भी अपने इनर डायलॉग को भी और आपके जीवन के जो जैसा आपने जिए हैं अभी तक उसको देख के यू हैव टू डेवलप ट्रस्ट इन योरसेल्फ। यस,
सो थैंक यू वेरी वेरी मच आप सब इस शो पर इतने समय के लिए बने रहे। जो लोग लेट आए वो इसी लिंक पे जिस पे ये शो देख रहे हैं वो ये शो को जो शुरू में हमने दो बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी है कि एक तो स्पिरिचुअली जो आगे बढ़ रहा है उसको रिस्पेक्ट की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए, तो हमने उसके बारे में चर्चा की है कि इंटरनली हमें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए लेकिन सांसारिक व्यवहार में मेंटेन करने के लिए वी हैव टू हैव द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, नहीं तो काम नहीं हो पाते हैं। और अगर रिस्पेक्ट वो सब करने उसके बाद हमने 10 पॉइंट शेयर किए हैं हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट, और वो पॉइंट्स है कि पहले हम अपने आप को रिस्पेक्ट करें, दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखें, बाउंड्रीज सेट करें, इमोशनली अपने आप को रिलेटेड करें और नीडीनेस कम करें, अपनी लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबल वे में जिए और कंसिस्टेंसी लाएं, कमिटमेंट है, प्रोमिसेज है, टाइमलीनेस है, वो सब को फॉलो करें, एक सर्विस एटीट्यूड रखें, एक मॉरल कोड, धार्मिक कोड से जीवन जिए, एक्सपर्टीज लाए, दक्षता लाए एक चीज़ में जिससे हम अपने आप को ट्रस्ट करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे एंड वी कैन अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल। और हमें सब चीज़ एक स्पिरिचुअल कंसेप्शन से देखते हुए सिचुएशनल मैच्योरिटी भी डेवलप करनी है विद टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। तो हमने ये 10 पॉइंट शेयर किए, तो आप वो देख सकते हैं। अभी शो के तुरंत बाद हम टाइम स्टैम्प्स भी डाल देंगे कि कौन से समय पे क्या पॉइंट डिस्कस हुआ है। बहुत सारे ऑडियंस क्वेश्चंस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द हरे कृष्णा टीवी चैनल फॉर मोर सच शोज ऑन वेडनेसडे एंड ऑल अदर डेज। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और अगर आप लाइफ कोचिंग विद नमिता शो के पुराने शोज देखना चाहते हैं तो इसी शो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर भी आप देख रहे हैं उसमें पूरी प्लेलिस्ट लिंक्ड है, और सेल्फ लव रिलेटेड जो भी शोज है उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट लिंक्ड है। और अगर आप मेरे संपर्क में रहना चाहते हैं तो उनके भी लिंक्स हैं इस शो में। तो हम सब बने रहेंगे और नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक देखते हैं कुछ एक अच्छा टॉपिक। वुमेन्स डे है तो अगर आपके कमेंट्स हैं कुछ अराउंड क्या शो होना चाहिए वुमेन्स डे, क्या टॉपिक होना चाहिए, तो वो सब भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो हम उनके बारे में सोचेंगे एंड सी हाउ वी कैन सर्व यू। और आगे भी हम और काफ़ी सारे शोज प्लान है ऑन रिलेशनशिप्स, ऑन क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स एंड भूत एंड पिशाच, और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, बट ऑल सब आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनल हीलिंग पे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट वेंसडे। और नेक्स्ट वेंसडे मुझे चैट में जिन जिन लोगों ने प्रश्न पूछे हैं आज, मुझे उन सबको चाहिए कि उन्होंने क्या टिप्स फॉलो करी हैं और उन्होंने क्या चेंज लेके आया, मुझे वो चैट में देखना है आप सबका। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हरे कृष्णा।